This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की सुपरस्टार आमिर खान की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है फना। जी हाँ फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगर आप भी आमिर खान की फ़ैन हो और अगर आप भी फना की मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। फना एक 2006 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर है जिसका निर्देशन कुणाल कोहली ने किया है और आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा ने अपने बैनर यशराज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। फिल्म में आमिर खान और काजोल, त्रेसी कपूर, किरण खैर, तबू और भारत एस्केसेना सहायक भूमिकाओं में है। खान नई दिल्ली में रेहान की कादरी नाम के एक पर्यटक गाइड की भूमिका निभाते हैं, जबकि काजल एक नेहाती कश्मीरी महिला जूनी अली बेग की भूमिका निभाती है। दोनों प्यार में पड़ जाते हैं लेकिन एक आतंकवादी हमले से अलग हो जाते हैं जो कथित तौर पर रेहान मार देता है। बाद में यह पता चलता है कि वह मारा नहीं गया था लेकिन वास्तव में एक कश्मीरी विद्रोही के और हमलों के पीछे मास्टरमाइंड है। 7 साल बाद उनका संगठन जिसे IKF के नाम से जाना जाता है उन्हें कश्मीरी में एक मिशन पर भेजता है जहां वह एक बार फिर भागे के एक अजीब मोड़ में जूनी से मिलता है। यह एक नायक के रूप में खान की पहली फिल्म थी। फना रिलीज के समय बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्में से एक थी। फिल्म का शीर्षक इस्लामी सूफी शब्द फना से लिया गया है जिसका अर्थ अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी में नष्ट है। फिल्म का प्रीचर टैगलाइन के साथ किया गया था। खान और काजोल पहली बार इस फिल्म के साथ रोमांटिक रूप से जोड़ी बना रहे थे लेकिन इसके इस 1997 के बाद उनके दूसरी संयुक्त चिहित किया जिसमें उन्हें कर्मश चुई चावला और अजय देवगन के साथ जोड़ा गया था। इसने काजोल की वापसी को भी चिहित किया जिन्होंने आखिरी बार कभी खुशी कभी गम के 2001 में देखा गया था। फना 26 मई 2006 को रिलीज हुई थी। गुजरात सरकार की आलोचना करते वाली अपनी टिप्पणियों के लिए खान के विरोध के कारण गुजरात राज्य में फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर भी फना को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, विशेष रूप से काजल के प्रदर्शन की ओर निर्देशित प्रशंसा के साथ और बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक सफलता बन गई। जूनी अली एक बेग की नेहत्रहीन के कश्मीरी महिला है जो पहली बार अपने दोस्तों फातिमा फेटी गुप्ता, महबूबा राज, रूबीना रूबी खाना और उनके नृत्य शीर्षक हेलेन के साथ गणतरण के लिए एक समारोह में प्रदर्शन करके लिए नई दिल्ली की यात्रा करती है। दिन अपनी यात्रा पर वह एक टूट गईट रेहान खान से मिलती है जो उसके साथ फ्लर्ट करता है। हालांकि उसके दोस्त जूनी को उसके बारे में चेतावनी देता है लेकिन उसे प्यार हो जाता है। दिल्ली में अपनी आखिरी रात को रेहान और जूनी को एक साथ रात बिताते हैं और अंत में प्यार करते हैं। जैसे कि ही जूनी अगले दिन जा रही होती रेहान आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उसका माता पिता उनकी शादी तय करने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं। जूनी की एक प्रेमिका की जाती है जिसे उसकी आंखों की रोशनी वापस में पाने में मदद मिलती है लेकिन जब वह सर्जरी से बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि रेहान शहर में एक बम विस्फोट में मारा गया है। मिलिनिया त्यागी एक विशेष खुफिया के एजेंट है जिसे बम विस्फोट के खतरे है आकलन करने के लिए लाया गया है और समूह जिम्मेदार एक स्वतंत्र कश्मीरी के लिए लड़ने वाला एक स्वतंत्र संगठन जिसे LKF कहा जाता है। यह पता चलता है कि रेहान ही वह व्यक्ति है जिसने बम विस्फोट को गति प्रदान की फिर उसकी मौत को नकली बनाया ताकि जूनी उसकी तलाश में न आए। वह स्वीकार करता है कि वह जूनी से प्यार करता है लेकिन यह भी स्वीकार करता है कि वह अपने खतरनाक जीवन के कारण उसे
फिर कभी नहीं देखा सकता। 7 साल बाद रेहान आईकेएम के लिए एक और मिशन पर आईकेएफ ने एक परमाणु हथियार हासिल कर लिया, लेकिन उसे टिंगर को पकड़ने की ज़रूरत है जो सेना को कब्जे में है। रेहान इसे चुरा ले लेता है, लेकिन तयागी ने अपनी योजना का पता लगा लिया है और उसे रोकने के लिए एक बल भेजता है। आगमी के गोलीबारी में रहने घायल हो जाता है। वह मदद के लिए दूर के घर में जाता है। यह जूनी का घर निकाला। रेहान की कथित मृत्युओं के बाद जूनी गर्भवती हो गई थी और उसने उसे और रेहान के बेटे जिसे जूनी दारा रेहान भी कहा जाता है को जन्म दिया और उसका पालन पोषण किया। रेहानी सीनियर की वापसी से 2 साल पहले जूनी माँ की मृत्यु हो गई थी। जूनी और उसके पिता रेहान सीनियर को बचाते हैं, हालांकि ना तो उन्हें जूनी को पुराने प्रेमी के रूप में पहचानते हैं। हालांकि शुरू में उनसे दूर रेहान सीनियर अपने बेटे और परिवार के लिए एक सने विकसित करता है। रेहान अपने अंतकवाद की जानकारी को पीछे रखते हुए उन्हें अपनी असली पहचान बताता है कि शुरू में आहत के जूनी ने रेहान को उसे फिर से छोड़ने से मना कर दिया और उन दोनों ने उसने पिता की वयस्कता से शादी कर ली। तयागी के पास रेहान के बारे में प्रकाशित एक रिपोर्ट है जिसमें जनता को चेतावनी दी गई है कि वह एक आतंकवादी है। जूनी को पिता इस रिपोर्ट को देखते हैं और अपनी जेब में टिंगर खोजने पर रेहान का सामना करते हैं। रेहान गलती से जूनी के पिता को एक कंगार से फेंक देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वह एक सैन्य अधिकारी के घर से आतंकवाद रेडियो को प्रसारित करता है, लेकिन रेहान का पता चलाने पर आधारित को मार देता है। जूनी को अपने पिता का शव मिलता है और रेहान अपनी मौत के बारे में झूठ बोलता है। हालांकि जूनी बाद में समाचार रिपोर्ट देखता है और टिंगर ढूंढता है। वह अपने बेटे को ले जाती है और अधिकारी के घर भाग जाती है। जब वह मदद के लिए रेडियो करती है, तयागी उसे रेहान को रोकने के लिए कहता है। रेहान अगले दिन आता है और जूनी से टिंगर लेता है। कह रहा है कि आईकेएस के उसे और बनने के उनके बेटे को मार डालेगा यदि वह नहीं करता। जैसे ही रेहान आईकेएफ के नेता का टिंगर देने वाला होता है, रेहान के दादा जूनी ने उसके पैर में गोली मार दी। रेहान उस पर अपनी बंदूक खींचता है, लेकिन खुद को गोली मारने के लिए नहीं ला सकता है। जूनी ने उसे फिर से गोली मार दी, इस बार घातक रूप से। उसे रोकने के लिए कुछ ही समय में तयागी आ जाता है और आईकेएफ के जूनी की शूटिंग से रोकता है। रेहान जूनी की बाहों में मर जाता है। जूनी और उसका बेटा बाद में अपने पिता और रेहान की कब्रों पर जाते हैं, जिन्हें एक दूसरे के बंगल में दफनाया जाता है। जब उसका बेटा पूछता है कि क्या उसके पिता गलत थे, तो जूनी उसे बताता है कि उसे उसके पिता नहीं वही किया जो उसे सही लगा। यह खंड खाली है, आप इसके मदद कर सकते हैं। फिल्मकान स्थान स्पादन करना फना को मूल रूप से कश्मीरी में शूट करने की योजना थी। इससे पहले कि काजोल उस क्षेत्र में जारी विरोध है कारण पीछे हट गई। निर्देशन की कश्मीर की खंड को त्रिजीनी पैलेंड में टाटा की पवत पर ले जाने का विकल्प चुना, जो उपयुक्त रूप से बर्फीले और पहाड़ी इलाके की प्रदान करता है। इसे दिल्ली में लाल किला, राष्ट्रपति भवन और लोधी की गार्डन सहित ऐतिहासिक स्थानों पर फिल्माया गया था। गुजरात में फिल्म का प्रचार करते समय आमिर खान ने गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने नर्मदा बांध को संभालने और विस्थित ग्रामीणों को पुनर्वास की आवश्यकता के बारे में कुछ टिप्पणियाँ की। इन टिप्पणियों को भारतीय जनता पार्टी ने नाराजगी का सामना करना पड़ा। गुजरात सरकार ने खान में माफ़ी की मांग की। खान ने माफ़ी मांगने से इनकार करते हुए कहा, मैं वही करता हूँ कराऊ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैंने केवल गरीब किसानों के पुनर्वास के लिए कहता था। मैंने बाद में निर्माण के खिलाफ कभी बात नहीं की। मैं इस मुझे पर अपनी टिप्पणियों के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। पूरे गुजरात राज्य में फना अपर एक अनौपचारिक की प्रबंधी लगा दिया गया था। फिल्म और खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जिसमें
पुतले में स्टार के पोस्टर जलाना शामिल था। नतीजतन कई मल्टीप्लेक्स के मालिकों ने कहा कि वे ग्राहकों के सुरक्षा प्रदान नहीं कर सके। इस प्रकार गुजरात से सभी थिएटर मालिकों ने फिल्म को प्रदर्शित करने से इनकार कर दिया। निर्माता आदित्य चोपड़ा ने भारत के सर्वोच्च के न्यायालय में एक याचिका का दायर कर उनसे गुजरात सरकार को उन सभी सिनेमा हॉल को सुरक्षा प्रदान करके निर्देशन देने के लिए कहा जो एक फिल्म प्रदर्शन करना चाहते थे लेकिन अस्वीकार कर दिया गया था। उनकी प्रतिक्रिया यह की थी कि यदि कोई सिनेमा उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित है तो वो पुलिस को बुला सकते हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए निर्देशक कुणाल कोहली ने कहा कि सभी थिएटर मालिक या प्रदर्शक को जो इस फिल्म को रिलीज करना चाहते हैं वे सुरक्षा के लिए अनुरोध कर सकते हैं और सरकार को समर्थन देना चाहिए। हम फिल्म निर्माता के रूप में गुजरात के सभी थिएटर मालिक से आगे आने और फिल्म को रिलीज करने के अनुरोध करते हैं। हम पहले सप्ताह में 470 मिलियन घरेलू और विदेशी दोनों कमाए हैं और गुजरात में लगभग 670 मिलियन कारोबार को खो चुके हैं। हालांकि यह पैसे के बारे में नहीं है, यह एक सिद्धांत के बारे में है कि एक लोकतांत्रिक के देश के रूप में जहां अमीर का अधिकार है वह जो महसूस करता है उसे कहने के लिए यहां तक कि विरोध करने वाले गुजरात के लोगों को भी यह कहने का अधिकार है कि वे क्या महसूस करते हैं। गुजरात के जामनगर में एक निजी स्वामित्व वाले सिनेमा ने धमकियों के बावजूद पुलिस सुरक्षा के साथ फिल्म दिखाई। स्क्रीन का विरोध कर रहे एक वैतिक धारा आत्मदाह की बोली के बाद फिर से वापस लेने से पहले एक सप्ताह में अधिक समय तक चला। एक स्क्रीन के दौरान वनिन्य नाम का संख्या ने थिएटर के बाथरूम में प्रवेश किया और खुद को आग लगा दी। वे 85 जल गए और 9 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद अमीर हुसैन खान उचरण की जन्म 14 मार्च 1965 के एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशन और निर्माता है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। अपने 30 साल से अधिक की करियर के दौरान खान ने खुद को भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। खान कई पुरस्कारों को प्राप्त है जिनमें 9 फिल्मफेयर पुरस्कार, 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 1 ASTA के पुरस्कार शामिल है। उनकी एक फिल्म निर्माण को अकादमी पुरस्कार नामांकन भी मिला है। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2003 में पद्मश्री और 2010 में भूषण से सम्मानित किया है और 2017 में चीन सरकार से मानवाधिकार प्राप्त की है। खान पहले बार अपने चाचा नासिर हुसैन की फिल्म यादों को बारात 1973 में एक बाल कलाकार के रूप में पर्दे पर दिखाई दिए। वह वैसे के रूप में उनकी पहली फीचर फिल्म भूमिका होली 1994 में थी। उन्होंने कयामत से कयामत तक 1988 में एक प्रमुख भूमिका के साथ पुनकालय के अभिनय किया। करियर की शुरुआत में राख 1979 में उनके प्रदर्शन उन्हें विशेष उल्लेख श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। उन्होंने 1990 के दशक में दिल 1990 की राजा हिंदुस्तानी 1996 की सहित कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय करते खुद को एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया जिसके लिए उन्होंने अभिनेता के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और सरफरोश के 1999 में उन्होंने आमिर खान प्रोडक्शन की स्थापना की जिनकी पहली फिल्म लगाना 2001 को विदेशी की भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और उन्होंने लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 और फिल्मफेयर पुरस्कार के अभिनेता और 27 के अभिनेत्री मिलने के पतली पारत पर 4 साल के अंतराल के बाद खान प्रमुख भूमिकाओं में दिखाई देने लगे। विशेष रूप से फना 2006 और रंग के देव बसंती 2006 में उन्होंने
तारे जमीनी पर 2007 के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की। सतीश निर्देशन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। खान की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता गजनी 2008 के 3 इंडियट्स, 2009 की धूम 3, 2013 पीके, 2014 और दंगल 2016 के साथ आई, जिनमें से प्रत्येक ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म होने का रिकॉर्ड बनाया। खान ने दंगल के लिए फिल्मफेयर में अपना तीसरा फिल्म अभिनेता का पुरस्कार जीता। विशेष रूप से भारत और चीन में उनके बड़े वैतरियम अनुयायी है और नयुजवी की द्वारा उन्हें दुनिया भर में सबसे बड़ा स्टार के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें नियमित रूप से दुनिया भर में 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में से चुबितन किया गया है। खान एक कायकृत और मानवतावादी है और उन्होंने विभिन्न सामाजिक करानों के लिए बात की है, जिनमें से कुछ ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है। उन्होंने टेलीविजन टॉक शो सतमिया जयते को भी बनाया और होस्ट किया। एक समाज सुधारक के रूप में उनके काम ने उनके 2013 में दुनिया सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम्स सह सूची में स्थानीय दिलाया। खान की 2 बार शादी हो चुकी है और उनके 3 बच्चे हैं। मोहम्मद अमीर हुसैन खान का जन्म 14 मार्च 1965 को बॉम्बे में एक फिल्म निर्माता ताहिर हुसैन और जिनत हुसैन के घर में हुआ था। उनके कई रिश्तेदार हिंदी फिल्म उद्योग के सदस्य थे, जिनमें उनके दिवंगत चचा निर्माता निर्देशक नसीर हुसैन भी शामिल थे। फिल्म उद्योग के बाहर वह अपनी दादी की माध्यम से अबुल कलाम आज़ाद से भी संबंधित है। खान 4 भाई बहनों में से सबसे बड़े उनका भाई एक भाई है फैसल खान और उनके 2 बहनें फरहत और निकहत खान। उनके भतीजे इमरान खान एक समकालीन हिंदी अभिनेता है। खान 6 बार के राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अभ्यधम और मणिपुर की उसोरेवी राज्यपाल की नजमा हेपतुल्ला के 2रे चचेरे भाई भी है, जो अबुल कलाम की आज़ाद को पोती है। एक बाल कलाकार के रूप में खान 2 छोटी भूमिकाओं में पर्दे पर दिखाई दिए। 8 साल की उम्र में वह यादों की बारात 1973 में दिखाई दिए, जो बॉलीवुड की पहली मसाला फिल्म थी। अगले वर्ष उन्होंने मगोश में महेंद्र सगु के चित्रित को युवा संस्करण को चित्रित किया। खान ने अपनी पूर्व प्रधानियों के सिंजा के लिए जेबी पेटिट की स्कूल में भाग लिया। बाद में 8वीं कक्षा तक सेठ ने एनी हाई स्कूल बांद्रा में चले गए और बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल महिमा में अपनी 9वीं और 10वीं कक्षा पूरी की। उन्होंने राजा सतरी की चैंपियनशिप में टेनिस खेला और राजा सतरी चैंपियन बने। उन्होंने दावा किया वह पढ़ाई की तुलना में खेल में बहुत अधिक थे। खान ने मुंबई में नर्सरी मोजी के कॉलेज में अपनी 12वीं कक्षा पूरी की और अपने पिता के वैद्य समस्याओं के कारण अपने बचपन के कठिन बताया, क्योंकि उनकी फिल्म निर्माण जयादार असफल रही थी। खान ने कहा, लेनदारों से एक दिन में कम से कम 30 कॉल आते हैं जो उनके पैसे मांगते और यह कि उनकी हमेशा फीस का भुगतान ना करने के लिए स्कूल से निकाला जाने का जोखिम होता था। 16 साल की उम्र में खान 40 मिनट की भूमिका फिल्म प्रणैया की बनाने की प्रक्रिया में शामिल थे, जिसका निर्देशन उनके स्कूल के दोस्त आदित्य चट्टाचार्य ने किया था। फिल्म को फिल्म निर्माता त्रिराम लघु द्वारा वित्त की पोषित किया गया था, जो भट्टाचार्य के एक परिचित थे, जिन्होंने उन्हें कुछ 1000 रुपये प्रदान किए। खान के माता पिता नहीं चाहते थे कि वह फिल्म बनाए और चाहते थे कि वह इसके बजाय एक इंजीनियर या डॉक्टर के रूप में एक सीधा करियर बनाए। इस कारण से वह वामाओं की शूटिंग कार्यक्रम को गुप्त रखा गया था। फिल्म को उन्होंने चट्टाचार्य की सहायता करते हुए अभिनेता नीना गुप्ता और विक्टर बंजी के साथ मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि इस पर काम करने की अनुभव ने उन्हें फिल्म करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है।
खान बाद में अवतार के लिए नमक एक थिएटर समूह में शामिल हो गए, जहां उन्होंने एक वर्ष से अधिक समय तक मंच के पीछे काम किया। उन्होंने पृथ्वी थिएटर में कंपनी की गुजराती नाटक केसरबीना में एक छोटी भूमिका के साथ मंच पर प्रदान किया। उन्होंने अपने दो हिंदी नाटकों और एक अंग्रेजी नाटक में अभिनय किया, जिसका शीर्षक क्लियरिंग की हाउस था। हाई स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद खान ने पढ़ाई बाद करने का फैसला किया कि और इसके बजाय हिंदी फिल्मों में मंजिल मंजिल के और जबरदस्त में हुसैन के सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। मुख्य लेख आमिर खान फिल्मफेयर में 1994 1979 में पदार्पण और करियर की चुनौती दिया। हुसैन की सहायता के अलावा खान ने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के छात्रों द्वारा निर्देशित विचित्रों में अभिनय किया। निर्देशन केतन मेहता ने खान को उन फिल्मों में देखा और उन्हें कम बजट की प्रतियोगी फिल्म को होली में एक भूमिका की पेशकश की। नवागुतु को कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता होली में महेश एलकुचवार के एक नाटक के पर आधारित थी और भारत में रैगिंग की प्रथा से संबंधित थी। यूएनआई की टाइम्स ने कहा कि फिल्म नाटकी थी लेकिन गैर पेशेवर अभिनेताओं द्वारा बहुत ही सलीनात और उत्साह से प्रदर्शन किया गया। खान ने एक उपदवी कॉलेज छात्र की भूमिका निभाई, एक महत्वपूर्ण भूमिका जिसे CNIBN ने कुशलता में काम की INGN के रूप में वर्णित किया था। होली वैकाई दर्श को उनकी आकर्षित करने में विफल रही, लेकिन हुसैन ने और उनके बेटे मंसूर ने खान को मंसूर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक 1988 में जूही चावला के साथ प्रमुख व्यक्ति के रूप में ला लिया। यह फिल्म एक तारा प्यार और माता पिता ने विरोध की कहानी की है, जिसमें खान राज की भूमिका निभाई, जो एक साफ सुथरा सस्ता लड़का नेक्स्ट दौड़ है। यह बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई और खान और चावल दोनों स्टारडम पद तक पहुंच गए दिया। इसे खान के लिए पुरुष प्रधान टॉफी सहित सात फिल्मफेयर पुरस्कार मिले। कयामत से कयामत तक ने निर्माण से पहले फिल्म गाई गई भट्टाचार्य की अपराध थ्रिलर राख 1979 में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर खराब स्वागत के बावजूद फिल्म को समीक्षकों द्वारा सराहा गया। कयामत से कयामत तक और खान को दोनों उनके प्रदर्शन के लिए खान को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विशेष जूरी पुरस्कार विशेष उल्लेख से सम्मानित किया गया। उस वर्ष बाद उन्होंने चावल के साथ रोमांटिक कॉमेडी लव 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 के लिए फिर से काम किया, जो एक व्यावसायिक फिल्म विफलता में 1990 की सफल। खान ने 1990 में रिलीज हुई पांच फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें अव्वल नंबर तुम मेरे हो, दीवाना मुझे सा नहीं या जवानी जिंदाबाद में कोई सफलता नहीं मिली। हालांकि इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा दिल किशोर प्रेमी माता पिता को विरोध की कहानी माधुरी तिरजित की विपरीत एक बड़ी सफलता थी। वह युवाओं के बीच अत्यधिक लोकप्रिय थी और उच्चतम के रूप में उभरी वर्ष की कमाई करने वाली हिंदी फिल्म। इस सफलता के बाद उन्होंने पूजा भट्ट के साथ दिल है कि मैं मानता नहीं एक प्रमुख भूमिका निभाई, जो अमेरिका फिल्म इट हैपनड के वन नाइट की रीमेक थी, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 1990 के दशक की शुरुआत में खान आने कई अन्य फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें जो जीता वही सिकंदर 1992 में हम है रही प्यार के 1993 के जिसके लिए उन्होंने पटकथा भी लिखी और रंगीला 1995 शामिल है। इनमें से अधिकतर के फिल्मों में समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही। अन्य सफलताओं में अंदाज अपना अपना शामिल है। रिलीज के समय फिल्म की समीक्षकों द्वारा प्रतिकूल समित की गई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसे पंद का दर्जा प्राप्त हुए। कम सफल फिल्मों में से इसी नाम की जिंदगी और दौलत की जंग शामिल थी। 1993 खान यश चोपड़ा की चर परंपरा में भी दिखाई दी। सुनील दत्त विनोद खन्ना की रवीना टंडन और सैफ अली खान सहित कलाकारों की टुकड़ी की होने के बावजूद फिल्म व्यापारिक दर्शकों को खोजने में विफल रही और एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता बन गई। खान को टाइम्स मशीन में भी
कास्ट किया गया था। हालांकि वित्तीय बदलाव को कारण फिल्म को रोक दिया गया था और रिलीज नहीं हुई थी। खान ने साल में सिर्फ एक या दो फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा, जो मुख्य धारा की हिंदी सिनेमा अभिनेता के लिए एक असामान्य विशेषता थी। 1996 में उनकी एकमात्र रिलीज धम से दर्दस्ताना निर्देशी व्यावसायिक ब्लॉकबस्टर थी राजा हिंदुस्तानी, जिसमें उन्हें कश्मीरी के कपूर के साथ जोड़ा गया था। फिल्म ने उन्हें पिछले 7 नामांकन के बाद अभिनेता का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया और यह उस वर्ष की सबसे बड़ी हिट होने के साथ 1990 के दशक की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। मुद्रास्फीति के लिए समायोजित राजा हिंदुस्तानी 1990 के बाद से भारत में चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। खान का करियर इस समय के एक पठार पर आ गया था और अगले कुछ वर्षों अनुसरण की जाने वाली अधिकांश फिल्में केवल आंशिक रूप से सफल रही। 1997 में उन्होंने इश्क में अभिनय किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। अगले वर्ष खान मामूली रूप से सफल गुलाम में दिखाई दिए, जिसके लिए उन्होंने पाव गायन भी किया गया था। 1999 में खान की पहली फिल्म जॉन मैथ्यू मैथन की सरफरोश की मध्यम रूप से सफल रही, बॉक्स ऑफिस पर सामान्य से बेहतर रही। फिल्म सामान्य और खान को पहले समीक्षकों द्वारा बहुत सराहा गया, जैसे कि दीपा मेहता की कंडाहाई भारतीय आर्ट हाउस फिल्म अर्थ 1988 में उनकी भूमिका थी। खान की दिल नवाज आइस कैंडी मैन की चित्रण के लिए रोजर एबर्ट जैसे आलोचकों को द्वारा पृथ्वी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया था। 2020 में दर्श के लिए उनकी पहली रिलीज मेला, जिसमें उन्होंने अपने भाई फैसला के साथ अभिनय किया, बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण बम दोनों थी। 2001 में उन्होंने लगाना में निर्माण और अभिनय किया और 74 में अकादमी पुरस्कारों में विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकन प्राप्त किया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जैसे कि भारतीय पुरस्कार जीतने के अलावा फिल्म कोई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी आलोचका की प्रशंसा मिली। अभिनेता के लिए अपना दूसरा फिल्मारे पुरस्कार भी जीता। लगान की सफलता के बारे में उस वर्ष बाद में दिल चाहता है कि यह फिल्म तकालनी की विनियोदित फरहान अख्तर द्वारा लिखित और निर्देशित थी और फिल्म के लिए 2001 फिल्म फेयर क्रिटिकर्स अवार्ड जीता। रीना दर्द के तलाक से बाद खान की बॉलीवुड से 4 साल का ब्रेक लिया। 2005 साल में अभिनय में वापसी के निर्देशन की शुरुआत की। खान ने 2005 में केतन मेहता की मंगल पांडे द राइजिंग में मुख्य भूमिका के रूप में वापसी की, जिसे कान फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था। राकेश ओम प्रकाश मेरा किरंग दे बसंती 2006 में खान की पहली फिल्म थी। उनकी प्रदर्शन में समीक्षकों द्वारा सराहा गया। उन्होंने अभिनेता के लिए फिल्मफेयर क्रिटिकर्स अवार्ड और अभिनेता के लिए कई नामांकन मिले। यह फिल्म साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई और इसे अश्वकर में भारत की आधिकारिक प्रवेश के रूप में चुना गया। हालांकि फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित वैतिक रूप में नहीं चुना गया, लेकिन इसे इंग्लैंड में बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बाफ्टा अवार्ड के लिए नामांकित मिला। खान की अगली फिल्म फना में 2006 में उन्होंने एक कश्मीरी विदोई के आतंकवादी की भूमिका निभाई। पृथ्वी के बाद उनकी दूसरी विरोधी भूमिका निभाने की, उन्हें कुछ अलग करने की रचनात्मक भावनाओं की पेशकश की। उनकी 2007 की फिल्म तारे जमीन पर एक निर्माण भी उनके द्वारा किया गया था और उनके निर्देशन में पहली फिल्म थी। फिल्म जो आमिर खान प्रोडक्शन की दूसरी रिलीज थी को आलोचकों और दर्शक से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। खान के प्रदर्शन की खूब सराहा गया। हालांकि उनके निर्देशन के लिए विशेष रूप से उनकी सराहना की गई। खान को निर्देशन और 2007 की सर्वश्रेष्ठ की फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही परिवार के कल्याण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। फिल्म ने अनेक पुरस्कार जीते, जिसमें 2008 की सिन अवार्ड्स और 4th अप्सरा की फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूस गिल्डन अवार्ड्स शामिल है। फिल्म की शुरुआत में 2009 को सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म अकादमी पुरस्कार के लिए भारत अधिकारी की प्रवेशित के रूप में सराहा गया था।
2008 में खान की फिल्म गजनी में दिखाई दी। यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और उसी वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म गई। फिल्म अपनी प्रदर्शन के समारोह में कई सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन के साथ साथ उनके प्रदावे के फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ की अभिनेता नामांकन प्राप्त हुए। और 2009 में खान की 3 इंडियट्स में रणछोड़दास की चंचल के रूप में दिखाई दिए। यह फिल्म उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली और गजनी की द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इन 3 इंडियंस की उन कुछ भारतीय फिल्मों में से एक थी जो उस समय की चीन और जापान जैसी पूर्व एशियाई की बाजारों में सफल रही, जिसने इसे विदेशों बाजारों में अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म दिया। मई 2012 में यह यूट्यूब पर आधिकारिक रूप से रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। फिल्म ने 6 फिल्मफेयर पुरस्कार फिल्म के और 37 निर्देशन सहित 10 स्टार स्क्रीन पुरस्कार, 8 आईफा पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। विदेशों में इसने की पुरस्कार जापान की वीडियो की पुरस्कार में भव्य पुरस्कार जीता और जापान में अकादमी पुरस्कार के लिए मैं सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशों में भाषा की फिल्म और चीन की बीजिंग के अंतर्राष्ट्रीय की फिल्म में विदेशों में फिल्म के लिए नामांकित किया गया। महाशो खान को भारतीय फिल्मों के लिए चीनी बाजार खोलने का श्रेय दिया जाता है। उनके पिता तहिर हुसैन को पहले करवा के साथ चीन में असफला मिली थी, लेकिन बाद में भारतीय फिल्मों में गिरावट आई जब तक कि खान ने 21वीं शुरुआत में भारतीय फिल्मों के लिए चीनी बाजार नहीं खोला। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत। पैसे की लत के कारण आत्महत्या कर ली राणा को रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने 2 परिसर अधिकारियों में भेजा, लेकिन उन्हें भारी मात्रा में नशीली पदार्थ देकर मार दिया गया। पुलिस बल मामले में एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी राधे को भेजने का फैसला करता है। वह नौकर स्वीकार करता है। राधे एक मंडल दिया भयंकर से मिलती है और उसे प्यार करने लगती है। राधे उसे बताता है कि वह एक महत्वाकांक्षी मंडल है और उसका नाम भोलू है। दिया को धीरे धीरे राधे से प्यार हो जाता है। राधे को शादी अधिकारियों से पता चलता है कि उनके अधिकार क्षेत्र में 2 गिरोह काम करते हैं। पहले गिरोह का नेतृत्व दिलवार और दूसरे गिरोह का नेतृत्व दंगूद दादा कर रहे हैं। दोनों गैंग आपस में भिड़ने हुए हैं। राधे दादा सहित दंगूदू दादा के गिरोह के सभी आदमियों हरा देता है। राधे दादा के आदमी को गिरफ्तार करता है और उससे पूछताछ करता है कि वह उसे बताता है कि दिलवार का भाई मंसूर डेंगस का कारोबार करता है। राधे दिलवार के इलाके में जाता है और उन्हें मंसूर लाने की धमकी देता है। दिलवार मना जाता है, लेकिन राधे दिलवार को गिरफ्तार कर लेता है। वह दिलवार और दादा को एक दूसरे के साथ शांति दिलाने के लिए कहते हैं। राणा मंसूर के साथ मिल जाता है और वे दिलवार के लुभाते हैं। राणा और उसके आदमियों ने दिलवार की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी। बाद में राधे को पता चलता है कि दिया राधे को वरिष्ठ अधिकारी अविनाश अभयंकर की बहन दी राणा और उसके गंड दादा के गिरोह के सदस्यों को मार डालते हैं। अगले 2 दिन में राणा और डेंगस बेचता है। राधे को सूचना मिलती है कि राणा और उसके गंड LIPD क्लब जा रहे हैं। राधे पब में जाता है और राणा से डायलेट में लड़ता है। राधे राणा और उसके गुंडों द्वारा पीटा जाता है। पुलिस के पहुंचते हुए फरार हो जाता है, लेकिन दिया को पता चलता है कि एक पुलिस अधिकारी है और वह उससे अपने प्यार का इजहार करती है। राधे मंसूर को गिरफ्तार कर लेता है और उसे अपने पक्ष में शामिल होने के लिए मना लेता है। राधे राणा को गुंडों को दंगूद की मदद से पीटता है, लेकिन उनमें से एक भाग जाता है और राणा को सूचित करता है
राणा ने बदला लेने के लिए दंगूत को मार डाला। राधे को अक्षम मन जाता है और वह एक अन्य अधिकारी को मामला सौंप दिया जाता है। अविनाश की मदद से राधे चुपके से अपना काम जारी रखता है। इस बीच राणा का एक गांड में जिसे गिरफ्तार किया गया था दो पुलिस अधिकारियों से मिलता है। वे एक सौदा करते हैं, यदि वह उन्हें आसानों की आपूर्ति करता है तो अधिकारी गुंडों को भागने देके गार्ड सौदा स्वीकार करता है। दो अधिकारियों को राधे द्वारा एक चाल के रूप में काम पर रखने का खुलासा किया गया है। राणा को गार्ड बाद में अधिकारियों से मिलता है और राधे उसे पकड़ लेता है। राणा को पता चलता है कि मंसूर राधे को साथ काम करता है और उसे मार देता है। राधे ने स्कूल छात्रों की मदद मांगी, वे स्वीकार करते हैं और राणा की गिरोह और उन लोगों की तस्वीर लेने शुरू कर देते हैं जिन्हें वे डेंगस की आपूर्ति करते हैं। राधे और साथी पुलिस अधिकारियों ने उस सभी को गिरफ्तार कर लिया। एक राणा द्वारा पकड़ा जाता है। राणा उसे मारने ही वाला होता है लेकिन राधे उसे बचा लेता है। राणा भाग जाता है और राधे उसके पीछा करता है लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी दोस्ती को देता है। अगले दिन राणा को कुछ गार्ड जिन्हें गिरफ्तार किया गया था भाग निकलने, राधे उनमें से जयादार को मार देता है सिवाय एक गवार को छोड़कर जो राणा के साथ हेलीकॉप्टर में सवार हो जाता है। राणा की योजना मुंबई से दूर जाकर कहीं और दवा व्यवसाय बनाने की है। राधे हेलीकॉप्टर पर कूदता है और राणा और गोल्ड से लड़का है। उनकी लड़ाई के कारण हेलीकॉप्टर दुर्घटना तो हो जाता है जिसे गार्ड की मौत हो जाती है। अविनाश आता है और राणा को मारने की कोशिश करता है लेकिन राणा अविनाश की पिटाई करता है और उसे मारने वाला है। राधे अविनाश को बचाता है और राणा से लड़ता है। राधे ने हाथ बढ़ाया और राणा को मार डाला। सितंबर 2019 में मीडिया रिपोर्टों ने अनुमान लगाया कि प्रभु देवा दबंग 3 को पूरा करने के बाद सलमान खान की अगली परियोजना का निर्देशन करेंगे और ईद उल फितर 22 मई 2020 जिस तारीख को खान की रुकी हुई फिल्म इसला के रिलीज होने का अनुमान लगाया गया था कि अवसर पर रिलीज होगी। डेकन कैनिकल के एक लेखे में इस परियोजना का उल्लेख वांटेड 2009 की अगली कड़ी के रूप में किया गया है जिसका शीर्षक वांटेड 2 है लेकिन निर्माताओं की ओर से इसकी पुष्टि नहीं गई है। अक्टूबर 2019 में फिल्म को 2017 की दक्षिण कोरियाई फिल्म द आउटलाज की रीमेक होने की सूचना मिली थी। उत्पादन करना 18 अक्टूबर 2019 को सलमान खान ने दबंग के 3 में से मोशन पोस्टर को मगयम से का राधे को रूप में फिल्म के शीर्षक का खुलासा किया। ईद 2020 रिलीज के रूप में भी इसकी पुष्टि करते हैं। ढलाई स्पादन करना डीसी पटानी रणदीप हुंडा और जैकी त्रफ को महत्वपूर्ण भूमिकाओं में लिया गया था। भारत के बाद खान के साथ उनका दूसरा सहयोग था। नवंबर 2019 में भारत त्रिनिवासन के फिल्म की हिस्सा होने की सूचना मिली थी। गौतम गुलाटी ने भी फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। फिल्माने स्पादन करना फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी 1 नवंबर 2019 में शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल 4 नवंबर 2019 मुंबई के महबूब स्टूडियो में हुआ। खान ने सेट पर कलाकारों और चलाक दल के सदस्यों के लिए नए दिशा निर्देश पेश किए जो सेट पर अनुशासन बनाए रखने और नए लोगों का यूनियस की मदद करने के लिए एक दोस्त प्रणाली बनाए रखने पर जोर देने के लिए थे। फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी 1 नवंबर 2019 को शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल 4 नवंबर को मुंबई के महबूब स्टूडियो में हुआ। खान ने सेट पर कलाकारों और चलाक दल के सदस्यों के लिए नए दिशा निर्देश पेश किए जो सेट पर अनुशासन बनाए रखने और नए लोगों का यो जूनियर्स की मदद करने के लिए एक दोस्त प्रणाली बनाए रखने पर जोर देने के लिए थे। फिल्म का दूसरा शेड्यूल 21 जनवरी 2020 को गोवा में हुआ।
जहाँ खान और हुंडा को कुछ पीछा करने वाले दृश्य फिल्माए गए। इलाक में स्टार्ट के लिए निर्माताओं ने दृश्य प्रभाव पर 75 करोड़ खर्च किए। फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2020 तक पूरी होनी थी, लेकिन निर्माताओं ने थाईलैंड में एक और कार्यक्रम की योजना बनाई, जिसे बाद में 19 के प्रकोप से रच कर दिया गया। यह बताया कि खान अपने फार्म हाउस पर फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम कर रहे थे। हालांकि खान के मैनेजर ने दावा किया कि पोस्ट प्रोडक्शन की कोई योजना नहीं की थी, क्योंकि सरकार ने निर्देशों के अनुसार सभी प्रोडक्शन काम रुके थे। फिल्म की शूटिंग 4 अक्टूबर 2020 को फिर से शुरू हो गई, जहां कुछ पैचकों दूसियों और खान और पठानी और विशेषता वाला एक गीत फिल्माया गया। फिल्म को 14 अक्टूबर 2020 को लपेटा गया था। फिल्म की शूटिंग 4 अक्टूबर 2020 को फिर से शुरू हो गई, जहां कुछ पैचकों दूसियों और खान और पठानी की विशेष वाला एक गीत फिल्माया गया। फिल्म को 14 अक्टूबर 2020 को लपेटा गया था। संगीत रिहाई निष्पादन करना राधे की 13 मई 2021 को एक सीमित नाचय विमोचन थी। अप्रैल 2021 को खान ने आगे घोषणा की कि फिल्म सभी परिचालन के थिएटरों में और जी प्लेक्स और G5 में माध्यम से पेपर वही और डिजिटल स्ट्रीमिंग प्रणाली में रिलीज होगी। यह पहली भारतीय फिल्म बन गई जिसकी हाइब्रिड रिलीज हुई, क्योंकि मुंबई और दिल्ली के थिएटर बंद हो गए थे। इस कदम का फिल्म व्यापार विलेशकों और प्रदर्शकों ने महामारी के दौरान भारतीय सिनेमा की अवस्था के लिए एक संभावित ट्रेनिंग पैटर्न के रूप में स्वागत किया। मध्यम पू क्षेत्रों सहित अरब अमीरात, कतर, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब और बहरीन में दी फिल्म के लिए उन्नत बुकिंग 29 अप्रैल 2021 को रिलीज शेड्यूल से 2 सप्ताह पहले शुरू हुई। खान ने एक वीडियो कॉल बातचीत में थिएटर मालिकों से सीमित थिएटर रिलीज के कारण फिल्म के खराब संगी के लिए माफ़ी मांगी। खान ने महामारी के कम होने पर एक नाटकीय पूर्ण रिलीज की योजना का भी आश्वासन दिया। जी प्लेक्स ने अप्रैल 2021 के अंत में फिल्म की शुरुआत कीमत 2039 प्रति दूसरे को रूप में प्रकट की, जिसे उपयोगिता की डिजिटल स्ट्रीमिंग के साथ साथ प्रमुख DGH सेवाओं के माध्यम से फिल्म देख सके। इसके अलावा ने राधे कम्मे की घोषणा की एक पैकेज जिसकी कीमत 499 है, जो उपयोगिताओं को 1 साल के लिए फिल्म देखने का मंच की सामग्री तक पहुंचने की अनुमति देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म को Apple TV पर किराए पर लेने और स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था, लेकिन जीप्लेक्स ने अप्रैल 2021 को अंत में फिल्म की शुरुआती कीमत 2039 प्रति दूसरे को रूप में प्रकट की, जिसे आयुक्ता डिजिटल स्ट्रीमिंग साथ के साथ प्रमुख डिजिटल सेवाओं के माध्यम से फिल्म देख सके। इसके अलावा ने राधे कामों के घोषणा की पैकेज जिसकी कीमत 499, जो उपयोगिताओं को 1 साल के लिए फिल्म देखने मंच की समाप्ति तक पहुँचने की अनुमति देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म को Apple TV पर किराए पर लेने और स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। खान और जी स्टूडियो ने घोषणा की फिल्म को राजस्व को राहत घोष में दान कर दिया गया जाएगा। यह फिल्म मूल रूप से 15 अक्टूबर 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म के वितरण अधिकारी यश राज फिल्म्स को प्रारंभिक रिलीज पर बेचे गए थे। टी सीरीज को संगीत अधिकार और अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार प्राप्त किए, लेकिन बाद में जनवरी 2021 में यह बताया गया कि खान ने हस्ताक्षर किए थे कि स्टूडियो के साथ एक नया सौदा और फिल्म के पूरे अधिकार नाटकीय डिजिटल उपग्रह और संगीत अधिकारों सहित कंपनी 230 करोड़ में बेच दिए।
बाद में महामारी की स्थितियों का हवाला देते हुए इस सौदों पर फिर से बातचीत की गई, जिसमें मई 2021 में प्रसंधित बोली 190 करोड़ थी। स्वागत समारोह उत्पादन करना, बॉक्स ऑफिस उत्पादन करना, फिल्म ने 100 करोड़ मिलियन की बजट में 33 करोड़ मिलियन से अधिक की कमाई की। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। अहमित भारा जवाब उत्पादन करना, फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट राटेन टोमाटोज पर फिल्म को 11 समीक्षाओं के आधार पर 9 की रेटिंग और 16 से 10 की औसत रेटिंग प्राप्त होने वेबसाइट पर रखा पर रखान की सबसे कम रेटिंग वाली फिल्म 19 थी। वेबसाइट फर्स्ट पोस के अना एम वेटिकेडन ने राधे को रेटिंग दी और लिखा, यह फिल्म इतनी सामान्य है कि एक बार देखने के बाद एजेट से प्लाट को लिखना की चुनौती होगी। सलमान खान की प्रदर्शन इस तथ्य को दोहराता है कि वह नहीं देख रहा है। दर्शक से किसी भी मान्यता को प्राप्त करने के लिए उन्हें स्वीकार कर लिया। उन्होंने मुख्य अभिनेत्री को प्रपात स्क्रीन समय नहीं देने के लिए फिल्म की आलोचना करते हुए कहा, फिल्म अपनी नायकी को कुछ और नहीं बल्कि प्रदर्शन पर एक शरीर के रूप में मानती है, जिसका एकमात्र काम नायक को किसी के साथ प्यार में पड़ना, उसके साथ नृत्य करना और रक्षा के द विंकट की स्तुति घोष ने राधे को रेटिंग दी है। इस ग्रह किंग ग्रेस्टा कहते हुए उन्होंने लिखा, राधे एक जोरदार संवेदनहीन और उत्तेजन फिल्म है जिसे महिलाओं पुलिस बल और सामान्य रूप से दर्शक की बुद्धि के लिए बहुत काम समान है। उसने आगे कहा कि राधे निराशजन रूप से बेरहम है कि कैसे यह पुलिस की बर्बरता और लगभग दम घुटने वाली विस्तक मालानी को बढ़ावा देता है, जैसे ही सस्ते दुर्घटना की तरह छिड़का जाता है। द इंडिया एक्सप्रेस की शुभा गुप्ता ने राधे को रेटिंग दी और लिखा, राधे एक ऐसी फिल्म की नसमझ मुक्तपानु गड़बड़ है जिसमें सलमान खान हर एक काम करते हैं जो उन्होंने 1 अरब बार किया। द हिंदुस्तान टाइम्स की सैमुअल विस्टस ने राधे को एक फिल्म की यातना और खान की सबसे खराब फिल्मों में से एक बताया। उन्होंने राधे को एक गंभीर फिल्म के रूप में वर्णित किया और कहा, फिल्म कुछ भी नहीं है बल्कि दिशा के तंग कपड़े कुछ डांस नवंबर गुंडों के रूप में एक दूसरे पर डेर किए गए एक्शन दूसरों का गिरोह है, जो कहते हुए कि अपूर्ण फिल्म के रूप में बहुत काम करते हैं लेकिन भराव के रूप में काय करे। एनडीवी के सबेल चटर्जी ने फिल्म को 25 की रेटिंग दी और कहा कि फिल्म एक निचली सतह की बदबू के साथ हम पर बहुत सारा कचरा डाल देते हैं। उन्होंने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि राधे में सलमान खान के प्रशंसकों की दिलचस्पी बनाए रखने के लिए कोई प्रबंधन नहीं है। टेन एनालिस्ट तरंग आर्दस ने राधे को रेटिंग दी और इसे निराशजन कहा। इसकी पटकथा और लेखन को कमजोर बताते हुए उन्होंने लिखा, राधे आसमान की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे थे। फिल्म एक घिसा की पीटा का कथानक है और नई पैकेजिंग के साथ एक पुराना मित्र सूत्र को फिर से तैयार किया गया है। फिल्म कंपेनियम की अनुपमा चोपड़ा ने लिखा, सलमान खान अभिनीत फिल्म इतनी सतर्प है कि यह दर्द देती है। प्रभु देवा सलमान खान के पंथ के लिए एक और जोरदार सुन वेपन पीन देते हैं। द नेशनल हेराल्ड नर्मद जोशी ने लिखा, राधे एक फिल्म का एक खाली बर्तन है जो बहुत अधिकार शोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जो कुछ भी नहीं दर्शता है। पठानी के चरित्र के निर्धारण की आलोचना करते हुए कि उन्होंने आगे लिखा दिया अपने आप में बेहद आक्रामक है, यह केवल निर्माताओं और सलमान खान बहार की तीक्ष्ण रूढ़िवादी मानसिकता के दर्शता है जहाँ पुरुष और महिला शायद
ही कभी बराबरी को रिश्ते में होते हैं, जहां पुरुष महिला की यह स्वयंभू रचक है और महिला को किसी प्रकार की समाप्ति या सत्य के रूप में देखा जाता है। मसोबल की सूत्री साहू ने पुलिस की बराबर बंदूक हिस्सा और विषाद मदगानी का महिमांड करने के लिए राधे की आलोचना की। उसने आगे लिखा, राधे न केवल स्वादों के साथ बल्कि दुष्ट पुलिस पर सफाई 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 फार्मूल के साथ दोहराए गए है कि यह कम से कम एक बलात्कार हमले की टाप को भी नहीं छोड़ता है। वास्तव में फिल्म की एक तरह दिखती है और खान के पहले से ही लोकप्रिय ब्रांड को बेचने के लिए बोसर या आउट एंड आउट भाई ने पुण्य के सितंबर 2019 में मीडिया रिपोर्ट ने अनुमान लगाया कि प्रभु देवा दंबल तीन को अनुमान लगाया कि प्रभु देवा दंबल तीन को पूरा करने के बाद सलमान खान की अगली परियोजना के निर्देशन करेंगे। और ईद उल फितर 22 मई 2020 जिस तारीख को खान की रुकी हुई फिल्म इसला के रिलीज होने का अनुमान लगाया गया था कि अवसर पर रिलीज होगी। डेकन कानिकल को एक लेख में इस परियोजना का उल्लेख वांटेड की अगली कड़ी के रूप में किया गया है, जिसका सिंचक वांटेड टू है, लेकिन निर्माताओं और इससे इसकी पुष्टि नहीं गई थी। अक्टूबर 2019 में फिल्म को 2017 की दक्षिण कोरियाई फिल्म द आउटलाइन की रीमेक होने की सूचना मिली थी। उत्पादन करना 18 अक्टूबर 2019 को सलमान खान ने दंबक तीन के मोशन पोस्टर के माध्यम से राधे के रूप में फिल्म के सिंचक का खुलासा किया। ईद 2020 को रिलीज के रूप में भी इसकी पुष्टि करते हैं। ढलाई उत्पादन करना दिशा पटानी रणदीप हुंडो को जैकी त्रेफ को महत्वपूर्ण भूमिकाओं में मिला गया था। भारत के बाद खान के साथ उनका दूसरा सहयोग था। नवंबर 2019 में भारत निवासन के फिल्म के हिस्सा होने का सूचना मिली थी। गौतम गुलाटी के भी फिल्म के अपनी उपस्थिति के पुष्टि की। फिल्म ने निष्पादन करना फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी 1 नवंबर 2019 को शुरू हुई। फिल्म की पहला सेंडियो 4 नवंबर को मुंबई के महबूब स्टूडियो में हुआ। खान ने सेट पर कलाकारों और चलाक दल के सदस्यों के लिए नए दिशा निर्देश पेश को जो सेट पर अनुशासन बनाए रखने और नए लोगों को यूनिजस की मदद करने के लिए एक दोस्त प्रणाली बनाए रखने को जोर देने के लिए थे। फिल्म का दूसरा सेंड्यूल 21 जनवरी 2020 को गोवा में हुआ, जहां खान और हुंडा के कुछ पीछा करने वाले दूसरी फिल्म आए गए। इलाइटमेस शर्ट के लिए निर्माताओं ने दूसरे प्रभाव पर 75 करोड़ खर्च किए। फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2020 तक पूरी होने की थी, लेकिन निर्माताओं ने थाईलैंड में एक और कार्यक्रम योजना बनाई, जिसे बाद में 19 को प्रिकोर रच कर दिया गया। यह बताया गया कि खान अपने फरमाओ पर फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम कर रहे थे। हालांकि खान के मैनेजर के दावा किया कि पोस्ट प्रोडक्शन की कोई योजना नहीं थी, क्योंकि सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी प्रोडक्शन काम रुके हुए थे। फिल्म की शूटिंग 4 अक्टूबर 2020 को फिर से शुरू हो गई, जहां कुछ पैचकाओं दोस्तियों और खान और पठानी के विशेषता वाला एक गीत फिल्माया गया। फिल्म को 14 अक्टूबर 2020 को लपेटा गया था, लेकिन दोनों खान का प्रदर्शन तथ्यता को दोहराता है कि वह नहीं देख रहा है दर्शकों की किसी मान्यता को प्रपात करने के लिए उन्हें स्वीकार कर लिया। उन्होंने मुख्य अभिनेत्री को प्रपायत स्क्रीन समय नहीं देने के लिए फिल्म की आलोचना करते हुए कि कहा, फिल्म की अपनी नायक को कुछ और नहीं बल्कि प्रदर्शन पर एक शरीर के रूप में मानती है, जिसका एकमात्र काम नायक को किसी के साथ प्यार में पड़ना, उसके साथ नृत्य करना और रक्षा कर द टीवी के स्तुति घोष ने राधे को की रेटिंग दी। लेकिन हम दूसरे की लत के कारण पहली बार इस फिल्म के
साथ रोमांटिक रूप से जोड़ी बना रहे थे, लेकिन इसके इस 1997 के बाद उनके दूसरी संयुक्त चिहित किया, जिसमें उन्हें कर्मश चुई चावला और अजय देवगन के साथ जोड़ा गया था। इसने काजोल की वापसी को भी चिहित किया, जिन्होंने आखिरी बार कभी खुशी कभी गम के 2001 में देखा गया था। फना 26 मई 2006 को रिलीज हुई थी। गुजरात सरकार की आलोचना करते वाली अपनी टिप्पणियों के लिए खान के विरोधे के कारण गुजरात राज्य में फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर भी फना को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, विशेष रूप से काजल के प्रदर्शन की ओर निर्देशित प्रशंसा के साथ, और बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक सफलता बन गई। जूनी अली एक बेग की नेत्रहीन के कश्मीरी महिला है, जो पहली बार अपने दोस्तों फातिमा फेटी गुप्ता, महबूबा बोबू राज, रूबीना रूबी खाना और उनके नृत्य शीर्षक हेलेन के साथ गणतरण के लिए एक समारोह में प्रदर्शन करके लिए नई दिल्ली की यात्रा करती है। दिन अपनी यात्रा पर वह एक टूट गई रेहान खान से मिलती है, जो उसके साथ फ्लर्ट करता है। हालांकि उसके दोस्त जूनी को उसके बारे में चेतावनी देता है, लेकिन उसे प्यार हो जाता है। दिल्ली में अपनी आखिरी रात को रेहान और जूनी को एक साथ रात बिताते हैं और अंत में प्यार करते हैं। जैसे कि ही जूनी अगले दिन जा रही होती, रेहान आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उसका माता पिता उनकी शादी तय करने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं। जूनी की एक प्रेक्षिका की जाती है, जिसे उसकी आंखों की रोशनी वापस में पाने में मदद मिलती है, लेकिन जब वह सर्जरी से बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि रेहान शहर में एक बम विस्फोट में मारा गया है। मिलिनिया त्यागी एक विशेष खुफिया के एजेंट है, जिसे बम विस्फोट के खतरे है आकलन करने के लिए लाया गया है, और समूह जिम्मेदार एक स्वतंत्र कश्मीरी के लिए लड़ने वाला एक स्वतंत्र संगठन, जिसे लाइकेफ कहा जाता है। यह पता चलता है कि रेहान ही वह व्यक्ति है जिसने बम विस्फोट को गति प्रदान की, फिर उसकी मौत को नकली बनाया, ताकि जूनी उसकी तलाश में न आए। वह स्वीकार करता है कि वह जूनी से प्यार करता है, लेकिन यह भी स्वीकार करता है कि वह अपने खतरनाक जीवन के कारण उसे फिर कभी नहीं देखा सकता। 7 साल बाद रेहान IKM के लिए एक और मिशन पर IKF ने एक परमाणु हथियार हासिल कर लिया, लेकिन उसे टिंगर को पकड़ने की ज़रूरत है, जो सेना को कब्जे में है। रेहान इसे चुरा लेता है, लेकिन त्यागी ने अपनी योजना का पता लगा लिया है और उसे रोने के लिए एक बल भेजता है। आगमी के गोलीबारी में रहने घायल हो जाता है। वह मदद के लिए दूर के घर में जाता है, यह जूनी का घर निकाला। रेहान की कथित मृत्यु के बाद जूनी गर्भवती हो गई थी और उसे और रेहान के बेटे, जिसे जूनी द्वारा रेहान भी कहा जाता है, को जन्म दिया और उसका पालन पोषण किया। रेहानी सीनियर की वापसी से 2 साल पहले जूनी माँ की मृत्यु हो गई थी। जूनी और उसके पिता रेहान सीनियर को बचाते हैं, हालांकि ना तो उन्हें जूनी को पुराने प्रेमी के रूप में पहचानते हैं। हालांकि शुरू में उनसे दूर रेहान सीनियर अपने बेटे और परिवार के लिए एक स्नेह विकसित करता है। रेहान अपने अंतकवान की जानकारी को पीछे रखते हुए उन्हें अपनी असली पहचान बताता है कि शुरू में आहत के जूनी ने रेहान को उसे फिर से छोड़ने से मना कर दिया और उन दोनों ने उसने पिता की वयस्कता से शादी कर ली। त्यागी के पास रेहान के बारे में प्रकाशित एक रिपोर्ट है, जिसमें जनता को चेतावनी दी गई है कि वह एक आतंकवादी है। जूनी को पिता इस रिपोर्ट को देखते हैं और अपनी जेब में टिंगर खोजने पर रेहान का सामना करती है। रेहान गलती से जूनी के पिता को एक कंगार से फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वह एक सैन्य अधिकारी के घर से आतंकवाद रेडियो को प्रसारित करता है, लेकिन रेहान का पता चलाने पर आधारित को मार देता है। जूनी को अपने पिता का शव मिलता है और रेहान अपनी मौत के बारे में झूठ बोलता है। हालांकि जूनी बाद में समाचार रिपोर्ट देखता है और टिंगर ढूंढता है। वह अपने बेटे को ले जाती है और अधिकारी के घर भाग जाती है। जब वह मदद के लिए रेडियो करती है, त्यागी उसे रेहान को रोकने के लिए कहता है। रेहान अगले दिन आता है और जूनी से टिंगर लेता है। कह रहा है कि आई के एस के उसे और बनने के उनके बेटे को मार डालेगा।
यदि वह नहीं करता, जैसे ही रेहान IKF के नेता का टिंगर देने वाला होता है, रेहान के दादा जूनी ने उसके पैर में गोली मार दी। रेहान उस पर अपनी बंदूक खींचता है, लेकिन खुद को गोली मारने के लिए नहीं ला सकता है। जूनी ने उसे फिर से गोली मार दी, इस बार घातक रूप से। उसे रोकने के लिए कुछ ही समय में तैयारी आ जाता है और IKF के जूनी की शूटिंग से रोकता है। रेहान जूनी की बाहों में मर जाता है। जूनी और उसका बेटा बाद में अपने पिता और रेहान की कब्रों पर जाते हैं, जिन्हें एक दूसरे के बंगल में दफनाया जाता है। जब उसका बेटा पूछता है कि क्या उसके पिता गलत थे, तो जूनी उसे बताता है कि उसे उसके पिता नहीं वही किया जो उसे सही लगा। यह खंड खाली है, आप के इसके मदद कर सकते हैं। फिल्मकान स्थान स्पादन करना फना को मूल रूप से कश्मीरी में शूट करने की योजना थी। इससे पहले की काजोल उस क्षेत्र में जारी विरोध है कारण पीछे हट गई। निर्देशन की कश्मीर की खंड को त्रिजीनी पैलेंड में टाटा की पवत पर ले जाने का विकल्प चुना, जो उपयुक्त रूप से बर्फीले और पहाड़ी इलाके की प्रदान करता है। इसे दिल्ली में लाल किला, राष्ट्रपति भवन और दोलोगी की गार्डन सहित ऐतिहासिक स्थानों पर फिल्माया गया था। गुजरात में फिल्म का प्रचार करते समय आमिर खान ने गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने नर्मदा बांध को संभालने और विस्थित ग्रामीणों को पुनर्वास की आवश्यकता के बारे में कुछ टिप्पणियां की। इन टिप्पणियों को भारतीय जनता पार्टी ने नाराजगी का सामना करना पड़ा। गुजरात सरकार ने खान में माफ़ी की मांग की। खान ने माफ़ी मांगने से इनकार करते हुए कहा, मैं वही करता हूँ कराओ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैंने केवल गरीब किसानों के पुनर्वास के लिए कहता था। मैंने बाद में निर्माण के खिलाफ कभी बात नहीं की। मैं इस मुझे पर अपनी टिप्पणियों के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। पूरे गुजरात राज्य में फना अपर एक अनौपचारिक की प्रबंधि लगा दिया गया था। फिल्म और खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जिसमें पुतले में स्टार के पोस्टर जलाना शामिल था। नतीजतन कई मल्टीप्लेक्स के मालिकों ने कहा कि वे ग्राहकों के सुरक्षा प्रदान नहीं कर सके। इस प्रकार गुजरात से सभी थिएटर मालिकों ने फिल्म को प्रदर्शित करने से इनकार कर दिया। निर्माता आदित्य चोपड़ा ने भारत के सर्वोच्च के न्यायालय में एक याचिका का दायर कर उनसे गुजरात सरकार को उन सभी सिनेमा हॉल को सुरक्षा प्रदान करके निर्देशन देने के लिए कहा जो एक फिल्म प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन अस्वीकार कर दिया गया था। उनकी प्रतिक्रिया यह की थी कि यदि कोई सिनेमा उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित है तो वो पुलिस को बुला सकते हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए निर्देश कुणाल कोहली ने कहा कि सभी थिएटर मालिक या प्रदर्शक को जो इस फिल्म को रिलीज करना चाहते हैं वे सुरक्षा के लिए अनुरोध कर सकते हैं और सरकार को समर्थन देना चाहिए। हम फिल्म निर्माता के रूप में गुजरात के सभी थिएटर मालिकों से आगे आने और फिल्म को रिलीज करने के अनुरोध करते हैं। हम पहले सप्ताह में 470 मिलियन घरेलू और विदेशी दोनों कमाए हैं और गुजरात में लगभग 670 मिलियन कारोबार को खो चुके हैं। हालांकि यह पैसे के बारे में नहीं है, यह एक सिद्धांत के बारे में है कि एक लोकतांत्रिक के देश के रूप में जहां अमीर का अधिकार है वह जो महसूस करता है उसे कहने के लिए, यहां तक कि विरोध करने वाले गुजरात के लोगों को भी यह कहने का अधिकार है कि वे क्या महसूस करते हैं। गुजरात के जामनगर में एक निजी स्वामित्व वाले सिनेमा ने धमकियों के बावजूद पुलिस सुरक्षा के साथ फिल्म दिखाई। स्क्रीन का विरोध कर रहे एक वैतिक धारा आत्मदाह की बोली के बाद फिर से वापस लेने से पहले एक सप्ताह में अधिक समय तक चला। एक स्क्रीन के दौरान वनिन नाम का संख्या ने थिएटर के बाथरूम में प्रवेश किया और खुद को आग लगा दी। वे 85 जल गए और 9 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद अमीर हुसैन खान उचरण की जन्म 14 मार्च 1965 के
एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशन और निर्माता है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। अपने 30 साल से अधिक की करियर के दौरान खान ने खुद को भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। खान कई पुरस्कारों को प्राप्ता है, जिनमें 9 फिल्मफेयर पुरस्कार, 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 1 एएसटीए के पुरस्कार शामिल है। उनकी एक फिल्म निर्माण को अकादमी पुरस्कार नामांकन भी मिला है। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2003 में पद्मश्री और 2010 में भूषण से सम्मानित किया है और 2017 में चीन सरकार से मानवाधिकार प्राप्त की है। खान पहले बार अपने चाचा नासिर हुसैन की फिल्म यादों को बारात 1973 में एक बाल कलाकार के रूप में पर्दे पर दिखाई दिए। वह वैसाई के रूप में उनकी पहली फीचर फिल्म भूमिका होली 1994 में थी। उन्होंने कयामत से कयामत तक 1988 में एक प्रमुख भूमिका के साथ पुनकालय के अभिनय किया। करियर की शुरुआत में राख 1979 में उनके प्रदर्शन उन्हें विशेष उल्लेख श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। उन्होंने 1990 के दशक में दिल 1990 की राजा हिंदुस्तानी, 1996 की सहित कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय करते खुद को एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्होंने अभिनेता के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। और सरफरोश के 1999 में उन्होंने आमिर खान प्रोडक्शन की स्थापना की, उनकी जिनकी पहली फिल्म लगाना 2001 को विदेशी की भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। और उन्होंने लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 और फिल्मफेयर पुरस्कार के अभिनेता और 27 के अभिनेत्रा मिलने के पतली पारत में पर 4 साल के अंतराल के बाद खान प्रमुख भूमिकाओं में दिखाई देने लगे। विशेष रूप से फना 2006 और रंग के देव बसंती 2006 में उन्होंने तारे जमीने पर 2007 के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की। 37 निर्देशन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। खान की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता गजनी 2008 के 3 इंडियटस, 2009 की धूम 3, 2013 पीके, 2014 और दंगल 2016 के साथ आई, जिनमें से प्रत्येक ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म होने का रिकॉर्ड बनाया। खान ने दंगल के लिए फिल्म फेयर में अपना 3रा फिल्म अभिनेता का पुरस्कार जीता। विशेष रूप से भारत और चीन में उनके बड़े वेत्रियम अनुयायी है और नयुजी की द्वारा उन्हें दुनिया भर में सबसे बड़ा स्टार के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें नियमित रूप से दुनिया भर में 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में से चुबितन किया गया है। खान एक कायकृत और मानवतावादी है और उन्होंने विभिन्न सामाजिक करानों के लिए बात की है, जिनमें से कुछ ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है। उन्होंने टेलीविजन टॉक शो सतमिया जयते को भी बनाया और होस्ट किया। एक समाज सुधारक के रूप में उनके काम ने उनके 2013 में दुनिया सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम्स सह सूची में स्थान दिलाया। खान की 2 बार शादी हो चुकी है और उनके 3 बच्चे हैं। मोहम्मद अमीर हुसैन खान का जन्म 14 मार्च 1965 को बॉम्बे में एक फिल्म निर्माता ताहिर हुसैन और जिन्नत हुसैन के घर में हुआ था। उनके कई रिश्तेदार हिंदी फिल्म उद्योग के सदस्य थे, जिनमें उनके दिवंगत चचा निर्माता निर्देशक नसीर हुसैन भी शामिल थे। फिल्म उद्योग के बाहर वह अपनी दादी की माध्यम से अबुल कलाम आज़ाद से भी संबंधित है। खान 4 भाई बहनों में से सबसे बड़े, उनका भाई एक भाई है फैसल खान और उनके 2 बहनें फरहत और निकहत खान। उनके भतीजे इमरान खान एक समकालीन हिंदी अभिनेता है। खान 6 बार के राज्यसभा सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अभ्यधम और मणिपुर की उसोरेवी राज्यपाल की नजमा हेपतुल्ला के 2रे चचेरे भाई भी है, जो अबुल कलाम की आज़ाद को पोती है। एक बाल कलाकार के रूप में खान 2 छोटी भूमिकाओं में पर्दे पर दिखाई दिए। 8 साल की उम्र में वह यादों की बारात 1973 में दिखाई दिए, जो बॉलीवुड की पहली मसाला फिल्म थी। अगले वर्ष उन्होंने मगोश में महेंद्र सगु के चित्रित को युवा संस्करण को चित्रित किया।
खान ने अपनी पूर्व प्रधानियों के सिंजा के लिए जेबी पेटिट की स्कूल में भाग लिया। बाद में 8वीं कक्षा तक सेठ ने एनी हाई स्कूल बांद्रा में चले गए और बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल महिमा में अपनी 9वीं और 10वीं कक्षा पूरी की। उन्होंने राजा सतरी की चैंपियनशिप में टेनिस खेला और राजा सतरी चैंपियन बने। उन्होंने दावा किया वह पढ़ाई की तुलना में खेल में बहुत अधिक थे। खान ने मुंबई में नर्सरी मोजी के कॉलेज में अपनी 12वीं कक्षा पूरी की और अपने पिता के वित्तीय समस्याओं के कारण अपने बचपन के कठिन बताया क्योंकि उनकी फिल्म निर्माण जयादार असफल रही थी। खान ने कहा, लेनदारों से एक दिन में कम से कम 30 कॉल आते हैं जो उनके पैसे मांग और यह कि उनकी हमेशा फीस का भुगतान ना करने के लिए स्कूल से निकाला जाने का जोखिम होता था। 16 साल की उम्र में खान 40 मिनट की भूमिका फिल्म प्रणैया की बनाने की प्रक्रिया में शामिल थे जिसका निर्देशन उनके स्कूल के दोस्त आदित्य चट्टाचार्य ने किया था। फिल्म को फिल्म निर्माता त्रिराम लघु द्वारा वित्त की पोषित किया गया था जो भट्टाचार्य के एक परिचित थे जिन्होंने उन्हें कुछ हज़ार रुपये प्रदान किए। खान के माता पिता नहीं चाहते थे कि वह फिल्म बनाए और चाहते थे कि वह इसके बजाय एक इंजीनियर या डॉक्टर के रूप में एक सीधर करियर बनाए। इस कारण से वामाओ की शूटिंग कार्यक्रम को गुप्त रखा गया था। फिल्म को उन्होंने चट्टाचार्य की सहायता करते हुए अभिनेता नीना गुप्ता और विक्टर बंजी के साथ मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि इस पर काम करने की अनुभव ने उन्हें फिल्म में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। खान बाद में अवतार के लिए नमक एक थिएटर समूह में शामिल हो गए जहां उन्होंने एक वर्ष से अधिक समय तक मंच के पीछे काम किया। उन्होंने पृथ्वी थिएटर में कंपनी की गुजराती नाटक केसरबीना में एक छोटी भूमिका के साथ मंच पर प्रदान किया। उन्होंने अपने दो हिंदी नाटकों और एक अंग्रेजी नाटक में अभिनय किया जिसका शीर्षक क्लियरिंग की हाउस था। हाई स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद खान ने पढ़ाई बाद करने का फैसला किया कि और इसके बजाय हिंदी फिल्मों में मंजिल मंजिल के और जबरदस्त में हुसैन के सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। मुख्य लेख आमिर खान फिल्मफेयर में 1994-1979 में पदार्पण और करियर की चुनौती दिया। हुसैन की सहायक के अलावा खान ने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के छात्रों द्वारा निर्देशित विचित्रों में अभिनय किया। निर्देशन केतन मेहता ने खान को उन फिल्मों में देखा और उन्हें कम बजट की प्रतियोगी फिल्म को होली में एक भूमिका की पेशकश की। नवागतों को कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता होली में महेश एलकुचवार के एक नाटक के पर आधारित थी और भारत में रैंगिंग की प्रथा से संबंधित थी। यूएनआई की टाइम्स ने कहा कि फिल्म नाटकी थी लेकिन गैर पेशेवर अभिनेताओं द्वारा बहुत ही सलीनात और उत्साह से प्रदर्शन किया गया। खान ने एक उपदवी कॉलेज छात्रा की भूमिका निभाई, एक महत्वपूर्ण भूमिका जिसे CNIBN ने कुशलता में काम की INGN के रूप में वर्णित किया था। होली वैकाई दर्श को उनकी आकर्षित करने में विफल रही लेकिन हुसैन ने और उनके बेटे मंसूर ने खान को मंसूर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक 1988 में जूही चावला के साथ प्रमुख व्यक्ति के रूप में लाया लिया। यह फिल्म एक तरफ प्यार और माता पिता ने विरोध की कहानी की है जिसमें खान राज की भूमिका निभाई जो एक साफ सुथरा सस्ता लड़का नेक्स्ट दौड़ है। यह बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई और खान और चावला दोनों स्टारडम तक पहुंच गए दिया। इसे खान के लिए पुरुष प्रधान टॉफी सहित सात फिल्मफेयर पुरस्कार मिले। कयामत से कयामत तक ने निर्माण से पहले फिल्म गाई गई भट्टाचार्य की अपराध थ्रिलर राख
1979 में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर खराब स्वागत के बावजूद फिल्म को समीक्षकों द्वारा सराहा गया। क्यामत से क्यामत तक और खान को दोनों उनके प्रदर्शन के लिए खान को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष जूरी पुरस्कार, विशेष उल्लेख से सम्मानित किया गया। उस वर्ष बाद उन्होंने चावल के साथ रोमांटिक कॉमेडी लव 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 के लिए फिर से काम किया, जो एक व्यावसायिक फिल्म विफलता में 1990 की सफल। खान ने 1990 में रिलीज हुई 5 फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें अव्वल नंबर तुम मेरे हो, दीवाना मुझे सा नहीं या जवानी जिंदाबाद में कोई सफलता नहीं मिली। हालांकि इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा दिल किशोर प्रेमी माता पिता को विरोध की कहानी माधुरी तिरजित की विपरीत एक बड़ी सफलता थी। वह युवाओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय थी और उच्चतम के रूप में उभरी वर्ष की कमाई करने वाली हिंदी फिल्म। इस सफलता के बाद उन्होंने पूजा भट्ट के साथ दिल है कि मैं मानता नहीं एक प्रमुख भूमिका निभाई, जो अमेरिका फिल्म इट हैपनड के वन नाइट की रीमेक थी, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 1990 के दशक की शुरुआत में खान अनय कई अन्य फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें जो जीता वही सिंकदर 1992 में, हम है रही प्यार के 1993 के जिसके लिए उन्होंने पटकथा भी लिखी, और रंगीला 1995 शामिल है। इनमें से अधिकतर के फिल्मों में समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही। अन्य सफलताओं में अंदाज अपना अपना शामिल है। रिलीज के समय फिल्म की समीक्षकों द्वारा प्रतिकूल समीक्षा की गई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसे पंद का दर्जा प्राप्त हुए। कम सफल फिल्मों में से इसी नाम की जिंदगी और दौलत की जंग शामिल थी। 1993 खान यश चोपड़ा की चर परंपरा में भी दिखाई दी। सुनील दत्त, विनोद खन्ना की, रवीना टंडन और सैफ अली खान सहित कलाकारों की टुकड़े की होने के बावजूद फिल्म व्यापारिक दर्शकों को खोजने में विफल रही और एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता बन गई। खान को टाइम्स मशीन में भी कास्ट किया गया था, हालांकि वित्तीय बदलाव को कारण फिल्म को रोक दिया गया था और रिलीज नहीं हुई थी। खान ने साल में सिर्फ एक या दो फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा, जो मुख्य धारा की हिंदी सिनेमा अभिनेता के लिए एक असामान्य विशेषता थी। 1996 में उनकी एकमात्र रिलीज धम से दर्दस्ताना निर्देशित व्यावसायिक ब्लॉकबस्टर थी, राजा हिंदुस्तानी, जिसमें उन्हें कश्मीरी के कपूर के साथ जोड़ा गया था। फिल्म ने उन्हें पिछले 7 नामांकन के बाद अभिनेता का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया और यह उस वर्ष की सबसे बड़ी हिट होने के साथ 1990 के दशक की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। मुद्रास्फीति के लिए समायोजित राजा हिंदुस्तानी 1990 के बाद से भारत में चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। खान का करियर इस समय के एक पठार पर आ गया था और अगले कुछ वर्षों अनुसरण की जाने वाली अधिकांश फिल्में केवल आंशिक रूप से सफल रही। 1997 में उन्होंने इश्क में अभिनय किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। अगले वर्ष खान मामूली रूप से सफल गुलाम में दिखाई दिए, जिसके लिए उन्होंने पाव गायन भी किया गया था। 1999 में खान की पहली फिल्म जान मैथ्यू मैथन की सरफरोश की मध्यम रूप से सफल रही। बॉक्स ऑफिस पर सामान्य से बेहतर रही फिल्म सामान्य और खान को पहले समीक्षकों द्वारा बहुत सराहा गया, जैसे कि दीपा मेहता की कंडाहाई भारतीय आर्ट हाउस फिल्म अर्थ 1988 में उनकी भूमिका थी। खान की दिल नवाज आइस कैंडी मैन की चित्रण के लिए रोजर एबर्ट जैसे आलोचकों को द्वारा पृथ्वी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया था। 2020 में दर्श के लिए उनकी पहली रिलीज मेला, जिसमें उन्होंने अपने भाई फैसला के साथ अभिनय किया, बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण बम दोनों थी। 2001 में उन्होंने लगाना में निर्माण और अभिनय किया और 74 में अकादमी पुरस्कारों में विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकन प्राप्त किया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जैसे कि भारतीय पुरस्कार जीतने के अलावा फिल्म कोई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी आलोचका की प्रशंसा मिली। अभिनेता के लिए अपना दूसरा फिल्मारे पुरस्कार भी जीता। लगान की सफलता के बारे में उस वर्ष बाद में
दिल चाहता है कि यह फिल्म तकालनी की विनोदित फरहान अख्तर द्वारा लिखित और निर्देशित थी और फिल्म के लिए 2001 फिल्म फेयर क्रिटिकर्स अवार्ड जीता। रीना दर्श के तलाक से बाद खान की बॉलीवुड से 4 साल का ब्रेक लिया। 2005 साल में अभिनय में वापसी के निर्देशन की शुरुआत की। खान ने 2005 में केतन मेहता की मंगल पांडे द राइजिंग में मुख्य भूमिका के रूप में वापसी की, जिसे कान फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था। राकेश ओम प्रकाश मेरा किरण दे बसंती 2006 में खान की पहली फिल्म थी। उनकी प्रदर्शन में समीक्षकों द्वारा सराहा गया। उन्होंने अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिकर्स अवार्ड और अभिनेता के लिए कई नामांकित मिले। यह फिल्म साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई और इसे अश्रुकर में भारत की आधिकारिक प्रवेश के रूप में चुना गया। हालांकि फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित वैतिक रूप में नहीं चुना गया, लेकिन इसे इंग्लैंड में बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बाफ्टा अवार्ड के लिए नामांकित मिला। खान की अगली फिल्म फना में 2006 में उन्होंने एक कश्मीरी विदोई के आतंकवादी की भूमिका निभाई। पृथ्वी के बाद उनकी दूसरी विरोधी भूमिका निभाने की उन्हें कुछ अलग की रचनात्मक भावनाओं की पेशकश की। उनकी 2007 की फिल्म जता तारे जमीन पर एक निर्माण भी उनके द्वारा किया गया था और उनके निर्देशन में पहली फिल्म थी। फिल्म जो आमिर खान प्रोडक्शन की दूसरी रिलीज थी को आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। खान के प्रदर्शन की खूब सराहा गया। हालांकि उनके निर्देशन के लिए विशेष रूप से उनकी सराहना की गई। खान को निर्देशन और 2007 की सर्वश्रेष्ठ की फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही परिवार के कल्याण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। फिल्म ने अनेक पुरस्कार जीते, जिसमें 2008 की सिन अवार्ड्स और 4th अप्सरा की फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूस गिल्डन अवार्ड्स शामिल है। फिल्म की शुरुआत में 2009 को सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म अकादमी पुरस्कार के लिए भारत अधिकारी की प्रवेशित के रूप में सराहा गया था। 2008 में खान की फिल्म गजनी में दिखाई दी। यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और उसी वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म गई। फिल्म अपनी प्रदर्शन के समारोह में कई सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन के साथ साथ उनके प्रदावे के फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ की अभिनेता नामांकन प्राप्त हुए और 2009 में खान के 3 इंडियटस में रणछोड़दास की चंचल के रूप में दिखाई दिए। यह फिल्म उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली और गजनी की द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इन 3 इंडियंस की उन कुछ भारतीय फिल्मों में से एक थी जो उस समय की चीन और जापान जैसी पूर्व एशियाई की बाजारों में सफल रही, जिसने इसे विदेशों बाजारों में अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म दिया। मई 2012 में यह YouTube पर आधिकारिक रूप से रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। फिल्म ने 6 फिल्मफेयर पुरस्कार फिल्म के और 37 निर्देशन सहित 10 स्टार स्क्रीन पुरस्कार, 8 आईफा पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। विदेशों में इसने की पुरस्कार जापान की वीडियोस की पुरस्कार में भव्य पुरस्कार जीता और जापान में अकादमी पुरस्कार के लिए मैं सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशों में भाषा की फिल्म और चीन की बीजिंग के अंतर्राष्ट्रीय की फिल्म में विदेशों में फिल्म के लिए नामांकित किया गया। महाशो खान को भारतीय फिल्मों के लिए चीनी बाजार खोलने का श्रेय दिया जाता है। उनके पिता तहिर हुसैन को पहले करवा के साथ चीन में असफला मिली थी, लेकिन बाद में भारतीय फिल्मों में गिरावट आई जब तक कि खान ने 21वीं शुरुआत में भारतीय फिल्मों के लिए चीनी बाजार नहीं खोला। पहली बार इस फिल्म के सभी पुरस्कार जीते, जिसमें 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 11 फिल्म फेयर 11 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। उत्तरादायी में फिल्म की निर्देशक भाषाली अभिनेता खान की अभिनेत्री राय और सबसे सहायक अभिनेत्री त्रिजीत के लिए टाफिया शामिल है। इसके अंग्रेजी में फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 1990 के दशक में कौशल्या ने सुना कि उनका छोटा बेटा देवदास 10 साल के पहले लंदन में लॉ स्कूल के लिए छोड़कर घर लौटने के वाला है।
वह अपने पड़ोसी सुमित्रा को बताती है जो बहुत खुश है। बाद की बेटी पावती उर्फ पारो और देवदास की बचपन में गहरी दोस्ती है। जब देवदास को लंदन भेजा गया तो पारो ने अपनी वापसी के लिए एक तेल का दीपक जलाया और उसे कभी बुझने के नहीं दिया। देवदास के लौटने पर उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। सभी का मानना है कि देवदास और पारो की शादी हो जाएगी, लेकिन देवदास की पस्याक्रायी भाभी कुमुद कौशल्या को पारी की नटखट लड़कियों को और नाटकी कलाकारों के वर्ष की याद दिलाती है जो देवदास के परिवार के लिए अनुपयुक्त है। सुमित्रा सार्वजनिक रूप से देवदास और पारो से शादी करने की अपनी इच्छा की घोषणा करती है, लेकिन कौशल्या यह कहकर सार्वजनिक रूप से अस्वीकार और अपमानित करती है कि वह एक निम्न वर्गीय परिवार से है। तभा सुमित्रा जल्दबाजी में पारो की शादी सुभन नाम के एक वैतिक से करती है जो 3 बड़े बच्चों के साथ एक 84 वर्षीय विधुर कुलीन है जो देवदास के परिवार से अधिक धनी है। जब देवदास के पिता भी पारो को ठुकरा देते हैं तो देवदास अपने माता पिता का घर छोड़कर एक वैश्य के शरण लेता है। वह पारो के लिए एक पत्र छोड़ता है जिसमें झूठा कहा गया है कि उनके बीच कभी प्यार नहीं था। वैश्य में उसकी मुलाकात चंद्रमुखी नाम की एक नेकदिल दरबारी से होती है जिसे उससे प्यार हो जाता है। जल्द ही देवदास को पारो को छोड़ने में अपनी गलती का एहसास होता है। वह उसकी शादी के दौरान उसके पास लौटा है और उसे भगाने के लिए कहता है, लेकिन पारो मना कर देता है। उसे याद दिलाता है कि उसे कितनी आसानी से पति के लिए लेकिन पारो को मना कर देता है उसे याद दिलाता है कि उसने उसे कितनी आसानी से त्याग दिया था। पारो की शादी भुवन से हो गई है। पारो की अपने नए पति से पता चलता है कि उसने उसे केवल अपने बच्चों और संपत्ति की महिला माँ की बनाने के लिए शादी की है, लेकिन उसका प्यार केवल अपनी दिवंगत पहली पत्नी के लिए है। वह कायरतना से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती है, जबकि दिल टूटा हुआ देवदास स्थायी से रूप से चंद्रमुखी के वैश्यक में चला जाता है और शराबी बन जाता है। जब देवदास को पिता उनकी मृत्यु छाया पर होते हैं तो देवदास को देखने के लिए कहते हैं। उत्तरादान में बाद में अपने पिता के अंतिम संस्कार में आता है जिसे एक दूसरी होता है और अंत में बाहर निकल जाता है। देवदास परिवार के घर लौटता है और उसे पता चलता है कि उसकी भाभी ने परिवार की तिजोरी की उसकी माँ की चाबी चुरा ली है। वह उसका सामना करता है, लेकिन कुमुद अपनी माँ से कहता है कि देवदास ने चाबियाँ चुरा ली है। उसकी माँ ने उस पर विश्वास किया और देवदास चला गया, भगा दिया। पारो चंद्रमुखी वैश्य में पहुंचती है, उस पर देवदास को शराब पिलाने का आरोप लगाते हुए, लेकिन जल्दी ही से पता चलता है कि चंद्रमुखी देवदास से प्यार करती है। पारो ने देवदास से शराब बंद करने का आग्रह किया, लेकिन वह जीछी बना रहा। वह पारो से वादा करता है कि मारने से पहले वह आखिरी बार उसके दरवाजे पर आएगा। पारो चंद्रमुखोर को अपने पति के घर पर दुर्गा पूजा के उत्सव के लिए आमंत्रित करती है और चंद्रमुखी के पेशों खुलासा किए बना उसे अपने ससुराल वालों से मिलवाता है। हालांकि भुवन का बदलाचंद दामाद कालीबू के जो वैश्यलाई में बार बार आता है चंद्रमुखी पृष्ठभूमि का खुलासा करता है और मेहमानों के सामने उसे अपमानित करने की कोशिश करता है, लेकिन चंद्रमुखी ने खुलासा किया कि वह वही है जो उसके घर आता है और इसका कारण है उसका वैश्यलाई अभी भी सफल है। वह उसे थप्पड़ मारती है और निराश होकर चली जाती है। काली बाबू भुवन और उसकी माँ को पारो के देवदास के साथ संबंधों के बारे में बताता है। नतीजतन भुवन को ने पारो को हवेली छोड़ने से स्थायी रूप से मना कर दिया
आखिरकार देवदास इतनी बीमार हो जाते हैं कि शराब की थोड़ी सी भी खुराक में उनकी जान ले सकती है। देवदास चंद्रमुखी से कहता है कि उसे जाने देना चाहिए और देश की यात्रा करने का फैसला करता है। ट्रेन में उसकी मुलाकात अपने पुराने कॉलेज के दोस्त चनीलाल से होती है, जो उसे दोस्ती के नाम पर शराब पीने का आग्रह करता है। देवदास पीता है, भली भांति जानता है कि यह घातक होगा। मृत्यु के कगार पर देवदास अपने वादे का सम्मान करने के लिए पारो के घर आ जाता है। मुख्य धारा के सामने एक पेड़ के नीचे गिर जाता है। जब उसे पता चलता है कि जो आदमी बाहर लेटा है वह वही है, तो वह उस तक पहुंचने की कोशिश करते हुए हवेली से भागती है। भुवन वह यह देखती है कि और नौकरी को गेट बंद करने का आदेश देता है। देवदास पारो की एक धुंधली छवि को अपनी ओर दौड़ती हुए देखता है कि लेकिन उसके पहुंचने से ठीक पहले गेट बंद हो जाता है, जिससे वह अंदर ही आना सिसकती रहती है। धीरे धीरे मरते ही देवदास अपनी आखिरी सांस के साथ उसका नाम पुष्प सुताता है और उत्तरण पारो का चिराग बुझ जाता है। देवदास और 1956 के संस्कारों के बाद शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा इसी नाम के 1917 के बंगाली अपनायास की तीसरा हिंदी रीमेक है। निर्देशक संजय लीला भंसाली ने अपनायास को दूसरी बड़ा पड़ा और इसे अनुकूलित करने का फैसला किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक संरचनात्मक द्वारा यह पूछे जाने पर कि उन्होंने अपनायास पर फिल्म क्यों आधारित की, उन्होंने कहा कि यह सबसे व्यापारिक रूप से पढ़ी जाने वाली कहानी थी और कहा, मैंने सोचा कि यह मेरे लिए एक आकर्षक चुनौती होगी। पहले से ही जाने पहचाने और प्रिय पत्रों को अपने तरीके से अपने पुरुषों से प्रस्तुत करने के लिए वह इस रीमेक को भारतीय सिनेमा में बनी किसी भी शास्त्रीय फिल्म से बड़ा बेहतर है और अधिक शानदार बनाता चाहते थे। उन्होंने बताया कि कैसे अपनायास देवदास की एक साधारण कहानी है, एक आत्मा जो इतनी बड़ी थी और स्वीकार किया, जो उन्हें इसके साथ नयन करने के लिए प्रेरित किया गया था। इसे भव्यता और समृद्धि के साथ बनाया जाना था। उन्हें कहा कि यह अपनायास की उनकी व्याख्या और एक महान कहानी के लिए एक तरंजाली है, जो यौन प्रेम से परे के है और भावनाओं को अपना नायक बनाती है। भंसाली जो भारत और अनुग्रह वाली फिल्म बनाना चाहते थे, उन्हें फिल्म से अपने प्यार की बात जितना देवदास अपने पारों से प्यार थे। मैंने अपनी अन्य दो फिल्मों की तुलना में देवदास में अधिक ईमानदार और जुनूनी डाला है। खामोशी द म्यूजिकल 1996 और हम दिल दे चुके सनम 1999 को एक साथ रखा। उन्होंने अपनायास के मुख्य चंद्री जिसे देवदास भी कहा जाता है का नरवर्ण एक ऐसे व्यक्ति के विरोधाभास के रूप में किया, जो मेंस वाल पत्री को साथ एक सकारात्मक में अनुचित और उनके पिता के बीच समाना पाई, जिन्होंने दारा सिंह अभिनीत 1965 की एक्शन फिल्म लुटेरा का निर्देश किया था। उन्होंने देवदास को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो अपने प्यार के बारे में इतना भावुक है कि यह अंत उसके पूरे अस्तित्व को खा जाता है। उन्होंने खुलासा किया कि उनके पिता अक्सर उन्हें अपनायास की कहानी सुनाता है और उन्होंने इसे 17 साल उम्र में पहली बार पूरी तरह से पढ़ा। इसके अलावा भंसाली ने दावा किया कि उन्होंने निर्देशक बिमल राय द्वारा 1955 के संस्करण के प्रस्तुति शैली को केवल बंद लिया था अपने सार को बनाए रखने के लिए। देवदास के बारे में पहली खबर नवंबर 1999 में द हिंदू के लिए भावना सोमाया द्वारा लिखे गए एक लेख में छपी थी। यह उद्योगपति के भारत सार द्वारा अपनी प्रोडक्शन कंपनी मेगा बॉलीवुड के तहत निर्मित और उपहित किया था गया है। पटखटा भंसाली ने गुजराती नाटककार और टेलीविजन श्रृंखला लेख प्रकाशक रंजित कपाड़ियों के साथ लिखी थी, जिन्होंने संवाद भी लिखा था। वितरण के संयुक्त रूप से भारत यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस में यूरोस इंटरनेशनल और अन्य क्षेत्रों में फिक्स इंटरनेशनल द्वारा संभाला गया था।
भंसाली ने अपने कथानक में कई नवीनताएं की संभाली क्योंकि वह इसे अपने प्रवृत्तियों से अलग बनाने की इच्छा रखते थे। उदाहरण के लिए अपनयास में देवदास कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में अपनी पढ़ाई से लौटते हैं, जबकि फिल्म के संस्करण में उन्हें लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए दिखा गया। जून 2020 में फिल्म को विवाद का सामना करना पड़ा जब एक अनन्य निर्माता के चोपड़ा ने उसी शीर्षक के साथ एक फिल्म पंजीकृती थी। हालांकि भंसाली इस खिताब को सफलतापूर्वक हासिल करने में सफल रहे। 2013 में शाहरुख खान, 2014 में त्रय राय, 2019 में माधुरी त्रिजीत, देवदास के मुख्य कलाकार शाहरुख खान त्रय राय और माधुरी त्रिजीत LR शाहरुख खान के त्रय राय और माधुरी त्रिजीत को मुख्य कलाकार के रूप में लिया गया। उसी समय जब फिल्म की पहली रिपोर्ट सामने आई, यह बताया गया कि भंसाली ने त्रिजीत को चंद्रमुखी भूमिका के पेशकश करने की कोशिश की, जो विशेष रूप से उनके लिखा गया एक भाग है। 17 अक्टूबर 1999 को कडियुवास्कुल में संजय त्रिराम माघोने से शादी के कारण उन्होंने इस अस्वीकार कर दिया, लेकिन अंत सितंबर 2020 में इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने सहयोग के बारे में अपने उत्साह के बारे में कहा, संजय के साथ काम करना एक सपना था, वह आपको भूमिका की वायका के साथ बहुत अधिक गुंजाइश और छोटे देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में पूरी फिल्म काम कर रही है, इसलिए उन्हें इसकी लंबाई के बारे में पता है। दूसरी कहानी को कुरकुरा बनाए रखने के लिए वह प्रतियोगी दूसरों को ठीक ठीक जानता है कि वह क्या चाहता है। रोमांटिक फिल्मों में जोश जो और मोहब्बतें 2020 के बाद देवदास ने शाहरुख खान और राय के बीच तीसरी फिल्म को चिहित किया। प्रूदेव में देवदास के रूप में कानून के स्नातक छात्र जो बाद में शराबी थे, जो मूल रूप से गोविंदा और सलमान खान के पेश किए गए थे। फरवरी 2020 में अभिनेता की फिर भी दिल है हिंदुस्तानी की रिलीज के बाद भंसाली ने उनसे संपर्क किया। 1942 ए लव स्टोरी में विधु विनोद चोपड़ा की सहायता करते हुए उनके प्रदर्शन को देखने के बाद भंसाली ने कहा कि शाहरुख खान द्वारा फिल्म में अभिनय करने के लिए स्वीकार किया जाने के बाद कहा वह बेहोश खुश थे। इस बीच बाद वाले को अगले महीने देवदास के बचपन के दोस्त पारो की भूमिका दी गई। हम दिल दे चुके सनम के बाद यह उनके और भंसाली के बीच दूसरा संयुक्त था। उसने पहली बार अपनायास की कहानी सुनी जब इसने उसे फिल्म की पटकथा सुनाई। उसने पहले काजोल और करीना कपूर सहित कई अभिनेत्रियों को भूमिका निभाने की पेशकश की गई थी। बॉलीवुड के जाने माने सितारे के साथ काम करना उनके लिए नया अनुभव था, जो मणिरत्नम की तमिल राजनीतिक फिल्म इरव और 1997 में डेब्यू करने के बाद उस समय एक नवातुंग थी। और उन्होंने कहा उनके साथ बड़े पैमाने पर काम करने का अवसर तत्काल में अंशक में से एक था। सहायक कलाकारों में किरण खेर, सीमत जयकर और विजेंद्र घटक के शामिल है। अगस्त 2020 में खेर को पारो माह की सुमित्रा के रूप में लिया गया। खामोशी द म्यूजिकल और हम दिल दे चुके सनम में उनके काम को देखने के बाद वह हमेशा उनके साथ काम करना चाहती थी। और 2020 में उनकी फिल्म नाटक बरीवाली की स्क्रीन के दौरान 50वें बर्लिन के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में उनसे मिली। उन्हें पेशकश की खेर ने दो भूमिकाएं निभाई, सुमित्रा और देवदास माँ की कौशल्य, लेकिन निर्देशक ने उन्हें प्रो भूमिका चुनने के सुझाव दिया के साथ एक समझकर में उन्हें भूमिका को एक बहुत ही त्रिजीत चतुर्थ के पहले बड़े पर नहीं देखा के रूप में वर्णित किया और इसे किसी भी फिल्म की अन्य माँ की भूमिकाओं की तुलना के अलग पाया। उनसे यह भी महसूस किया कि इससे उसे एक तेजतर्रार युवा के जीवन से बड़े चतुर्थ से प्रदर्शन करने की बहुत गुंजाइश थी। खेर ने बाद में उनके साथ अपने संबंधों के बारे में सकारात्मक रूप से बात की। जिस चीज़ ने मुझे उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक किया वह भाग्य सिंकट की जो
उन्होंने मुझे दे दी थी और सुमित्रा सामान्य चरित्र की जयकर जिन्हों दोनों ने भूमिकाओं की पेशकश की गई थी। नए कौशल्य की भूमिका निभाने विकल्प चुना। जयकर ने समझाया कि उसने पहली बार भी इस तरह की भूमिकाएं निभाई थी और उनका मानना था कि वे बहुत बेचारी निर्साजन बहुत प्रभावित हो रो रही थी। अपने पिछले उद्यम के बाद भंसाली के साथ एक दूसरे सहयोग उसने कबूल किया। इस फिल्म का रूप हम दिल दे चुके सनम से अलग है। यह अधिक समुद्र अधिक भव है। घटने पारों के पति भुवान 41 वर्षीय के चतरी किया। पुराने जमाने जमींदार उन्होंने कहा कि भंसाली शुरू में चाहते थे कि वह खैर में साथ एक भूमिका निभाए। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया। अपनी भूमिका पर चर्चा करते हुए घटने के कहा, मुझे अपने चतरित के बारे में जो पसंद है वह यह है कि वह एक महान वश से आता है। उसमें एक ग्रामा है, एक अनुग्रह है जो मुझे अक्सी करता है। घटने फिल्म की तुलना कमाल अमरोही के दो ऐतिहासिक फिल्मों में पाकिजा 1972 और राजीय सुल्तान 1983 की और कहा कि कैसे देवदास एकमात्र दूसरी भय फिल्म है जिसे मैंने कभी देखा है। विजय स्क्रीन को देवदास के पिता नारायण की भूमिका मिली और उन्हें यकीन था कि भंसाली ने अपनी उम्र को करण उन्हें यह भूमिका दी थी। अक्टूबर 2020 में जैकी श्रॉफ कलाकारों में शामिल हुए और देवदास दोस्त चुनीलाल एक भूमिका जिसे गोविंदा मनोज बाय जेपी और सैफ अली खान ने अस्वीकार कर दिया कि भूमिका निभाते हुए कि एक विशेष भूमिका निभाई। नितिन चंद्रकांत देवदास देसाई हम दिल दे चुके सनम में भंसाली के सहयोग के नेतृत्व में देवदास के प्रोडक्शन डिजाइन ने पुणे स्थित वास्तुकार धीरज आलोकार के सहित 60 से 100 सहयोग के साथ कई निर्माणों में उनकी मदद की। भंसाली चाहते थे कि सेट अपना ऐश 1936 और 1955 की हिंदी रीमेक से अलग हो और उनके अनुरोध को पूरा करने के लिए देसाई ने पिछले रीमेक संस्कारों की तस्वीरों को एकत्रित करने के लिए भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रह का दौरा किया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई दोहरा नहीं है। जैसे ही फिल्म की 1990 के दशक में स्थापित है भंसाली देसाई और अन्य कर्मचारियों में कलकत्ता में ब्रिटिश राज की अभिनंदन और उस समय की भारतीय संस्कृति से घर की डिजाइन पर व्यापक शोक और चर्चा की। इस शोक के बाद देसाई पहले बार अलग अलग सेट डिजाइनों के साथ आए। पारो की हवेली देवदास का घर और चंद्रमुखी का देवदास ने शूटिंग शुरू होने से 2 महीने पहले अगस्त 2020 में सेट का निर्माण शुरू किया और मई 2001 फिल्म सिटी मुंबई में एक फिल्म स्टूडियो परिसर में समाप्त हुआ। एक कुली परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्होंने मुख्य रूप से देवदास के घर और बीच की दीवारों के लिए पीले और हरे रंग की इस्तेमाल किया था। इसे 1911 में ब्रिटिश शैली का घर बनाने के लिए और 128 और 180 संतभों के बीच इस्तेमाल किया था। यह असंगत रूप से रिपोर्ट किया था कि प्रत्येक 60 फुट 18 मीटर ऊंचा इमारत का कुल क्षेत्रफल 50 फुट 76 मीटर था और इसे 15 मिलियन यूएस की बजट पर बनाया गया था। पारो की हवेली के लिए जहां वह शादी से पहले रहती है देदाइस ने 30 मिलियन की 292.84 खर्च किया और मुख्य रंगों के रूप में गुलाबी और नीले रंग की इस्तेमाल किया। उन्होंने 2011 के एक साक्षात्कार में द इंडियन एक्सप्रेस की अनीता एकार को बताया, मैं घर के विवरण में इतना समय बिताता हूँ कि भंसाली ने मुझे देवदास के घर को फिर से बनाने के लिए कहा। पारो हवेली की तुलना में यह बहुत छोटा लग रहा था। इंडियन टुडे के पत्रकारों के अनुसार पारो के बेडरूम सना हुआ अगलास के लिए 122 मिलियन पीस लगातार 10 दिनों में बनाए गए थे। कलाकार ने देवा के किया कि इसका अच्छा से कि उसकी नाजुक सुंदरता को दर्शाना है। पारो की हवेली के लिए कई चित्रित दीवारों का निर्माण किया गया था। भुवन से शादी के बाद फिल्म फिक्चर और इस बार प्राथमिक रंग के लिए देसाई ने कलोस्टोफिक में
लाल चुना देवदास और पारो दोनों घर नवंबर 2020 में बना दिया। चंद्रमुखी वसलायल के दूसरों बीच के सबसे महंगा सेट था जिसमें 120 मिलियन के अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे महंगा सेट कहा, जबकि कलाकारों ने कहा कि यह सबसे चुनौतीपूर्ण काम था। एक मंदिर शहर और उसके चारों ओर एक कृत्रिम झील के साथ एक बहुआयामी सेट निर्माण राजस्थान में स्थित दिलवाड़ा मंदिर से प्रीत था। उत्सव के सोने में प्रमुख रंग के साथ सेट में 60 सर्पस में रूप से नक्शीदार गुबंद और 6 फुट 18 मीटर की झूमर था। डोला रे डोला गीत के लिए देसाई कलाकारों को मदद की बिना ने फर्श के लिए 25 कांच के टुकड़ों का इस्तेमाल किया और अभिनेताओं को उस पर नृत्य करके समय चोट लगाने से बचने के लिए एक परत जोड़ दी। मीडिया ने अनुमान लगाया कि फिल्म के पूरे सेट का कुल बजट 20 मिलियन की होगा और रिपोर्ट किया कि उन्होंने बनाने में लगभग 9 महीने लगे। देसाई ने प्रयोग को एक सुंदर चुनौती के रूप में याद किया क्योंकि उत्कृष्ट कृति को सिटकटा और भावक के साथ फिर से बनाया जाता था। अबू जानी, नीता तुलना की रेजा शरीफी और संदीप घोषला ने वेशभूषा डिजाइन की, लूला ने जानी और खोसाला की जोड़ी के प्रशंसक होने का दावा करते हुए कहा कि मैं उन्हें वैदिक स्तर पर नहीं जाना लेकिन मुझे सकारात्मक व्यवसाय मिली। हम आपस में प्रवस्था कर रहे थे एक दूसरे के साथ नहीं। तैयारी में कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों से बात करते हुए कोलकाता पर आधारित कई बंगाली फिल्म देखी और उस समय के पारंपरिक के पहनने वाले पेशवा पैटर्न सहित बंगाली संस्कृति पर शोक किया। उन्होंने कई संग्रहालयों को दौरा किया और उन्हें परिधानों पर गहन चर्चा की जो द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार जादुई काल से नजर की निर्माण होगा और एक नज़र जिसे एक के दर्शक संभव कर सकते हैं। जानी और खोसाला के साथ सभी कपड़ों 1930 के और 1940 के दर्शक के पारंपरिक बंगाली कपड़ों से प्रीत थे। इसके अलावा लूला ने शहर से 6 साड़ियाँ खरीदी और उन्हें मिलाया। कभी कभी मैं 2 साड़ियाँ मिलाता था। कभी कभी 3 अश्वनों को भी डिजाइन करते हुए उन्होंने कुंदन और गर्नेट को चुना जो उन्हें मिला। युग के अनुकूल होने के लिए और उनके पत्थर जोड़े। खान ने शूटिंग के कई साल पहले अपनाया संस्कार पड़ा था। हालांकि उन्होंने अस्वीकार किया कि वह 2 रीमेक नहीं देखना चाहते थे जिसमें उनके चरित्र केवल सहग और दिलीप कुमार ने अभिनय किया था। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता था कि मेरी खुद की व्याख्या उनके द्वारा किए गए से प्रभावित हो। देवदास एक हिस्सा है जिसे खान ने पीना के अस्वीकारता थी। 2 अलग अलग रूप है, पहला पिछड़िम रूप से जबकि दूसरा था एक विशिष्ट मादक रूप प्रू के लिए जो लंदन में चतुर्थ के अभियान के बाद फिल्म में दिखाई देती है। जानी और घोसला ने उसी शहर के पुराने कपड़ों की दुकानों से करवस रुमाल और जूते सहित पुराने सूट खरीदे। बाद के लिए उन्होंने उसे बेज सफ़ेद और ऑफ-व्हाइट कपड़े पहनाए। हालांकि खान चाहते थे कि चतुर्थ काले कपड़े पहनने। उन्होंने खान को एक अंग्रावस्त्र चिकन धोती और कुर्ता भी दिया और अपनी अंचुक दिखाने के लिए एक छोटे बाल कटवाए। पुरस्कार जीते जिसमें एक राजा विरोधी संगठन घोषित किया था और आतंकवादियों को हथियारों की आपूर्ति करने के आरोप लगाया था। शमशेर ने सिकंदर को पढ़ाई के लिए बीजिंग भेजा और सिकंदर की विधवा माँ सुमित्रा को अलशिफा ले गया। 1 साल बाद जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। आजकल अलशिफ में एक रात यस कंपनी के गर्लफ्रेंड के बारे में बता करता है। सिकंदर ने खुलासा किया कि बीजिंग में उसे जेसिका नाम की एक लड़की से प्यार हो गया जिसने उसके साथ संबंध तोड़ दिए। शमशेर के बचपन के दोस्त बुजमोहन ने उन्हें बताया कि उनके दोस्त के होटल का इस्तेमाल राजनेताओं ने अपने कामुक छड़ियों के लिए किया था जहां सभी गतिविधियों के एक जासूस वीडियो कैमरे में कैद किया था और हाई डिस्क पर संग्रह किया था। हाई डिस्क को कोविन में
कोबिडिया के एक बैंक लगर में रखा गया था। शमसी सिकंदर को हार्ड डिस्क की अनुपत्ति के लिए नियुक्त करता है और वह डिस्क प्रपात करने का वादा करता है। अगले दिन एक पार्टी के दौरान पता चलता है कि जेसिफा के असल में यश गैलेनफेन में सिकंदर और जेसिफा सुरक्षा कम में नीति तौर पर मिलते हैं। अगले दिन सूरज रंजन जिन्होंने सिकंदर जोशी के मिलने को रिकॉर्ड किया था यश को वीडियो दिखाते हैं। गुस्से में आकर यश जोशिका को अप टीम में जाता है और सिकंदर को अपने साथ पता है। सिकंदर बाद में उसे बताता है कि सिकंदर को नष्ट करने की उनकी योजना के तहत सूरज और सजना द्वारा जोशिका के साथ उनकी पिछले दिनों के बातचीत की योजना बनाई गई थी। यश सिकंदर के साथ जुड़वा बच्चों के खिलाफ टीम बनाता है लेकिन जुड़वा बच्चे के साथ होने का नाटक भी करता है। सिकंदर जुड़वा यश और जेसिका हाई डिस्क को प्रणपात करने के मिशन में को अंजाम में देते हैं। लेकिन हाई डिस्क को पुन के लिए प्रपात के करने के बाद शमशेर अपनी कार में विस्फोट लगाकर सिकंदर को ख़त्म कर देता है और उन राजनेताओं के साथ एक सम्मेलन में जाता है जिनके अप्तिजन वीडियो डिस्क पर संग्री थे। शमशेर जुड़वा बच्चों की उपस्थिति में सिकंदर की मौत के बारे में राजनेताओं को बताता है। फिर हवा हाई डिस्क को प्लग करता है और यह जानकर चौंक जाता है कि डिस्क मूल डिस्क नहीं थी बल्कि इसमें केवल एक वीडियो था जिसे समुत्री ने अपने मृत्यु से पहले समय फिल्माया था, जिसमें वह इस सच्चाई को खुलासा करती है कि रेचर को शमशेर ने मारा था और जुड़वा बच्चे रेचर के बच्चे थे। सिकंदर आता है और बताता है कि वह जानता था कि शमशेर ने उसे पता कि पिता को मार डाला था लेकिन इसे 10 साल तक गुप्त रखा और शमशेर के प्रति वफादार होने का नाटक कर रहा था। शमशेर ने खुलासा किया कि जुड़वा बच्चों की पिटाई से पहले और सिकंदर के आने से पहले यश उनकी असली बेटा है। सिकंदर और यश के बीच रेगिस्तान में लड़ाई के बाद सिकंदर शमशेर की पूरी सेना को ध्वस्ताव कर देता है और यश को और शमशेर दोनों को जेसिका के सामने आत्मसमर्पण करवाता है जो एक इंटरपोल में अधिकारी होती है। गिरफ्तार पिता पुत्र की जोड़ी उनके पैतृक गांव हंडियाले जाया गया है। चरमोस्का में सिकंदर ने खुलासा किया कि वह सभी 7 घटनाओं की योजना बना रहा था और जुड़वा और जेसिका को सभी योजनाओं और रहस्यों को खुलासा किया। शमशेर जेल की कार्रवाई के दौरान एक पुलिस अधिकारी जो उसका प्रेमी है को रिचन देते हुए देखा जाता जबकि यश जेल की कोठरी के अंदर फेयर एक लौली के साथ अपने शरीर को नोट टोन करता हुआ दिखाई देता है। सिकंदर अलसिफा में अपनी जुड़वा भाई बहनों के साथ मिलकर जेसिका को मूल हाई डिस्क सेपेन की साजिश का खुलासा करता है, विस्तृत करने से इंकार कर दिया। लेकिन वर्ष 2015 में निर्सेक की जोड़ी सब अब्बास मस्तान द्वारा यह पुष्टि की गई थी कि रेस पैकेजाई में तीसरी किस्त की योजना बनाई जा रही थी जिसमें सैफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में लौट रहे थे। 2016 में यह बताया गया कि निर्माता रमेश चौरानी ने रेस 3 के लिए सलमान खान से संपर्क किया था लेकिन उन्होंने फिल्म में करने से इनकार कर दिया था और चौरानी को सिकपट में कुछ बदलाव करने के लिए कहा। 15 मई 2018 को फिल्म के ट्रेलर लंच इवेंट में खुद खान ने इसे रिपोर्ट के साथ होने की पुष्टि की थी। अगस्त 2017 में यह बताया गया कि खान ने इस सत पर रेस 3 का हिस्सा बनाने के लिए सहमत व्यक्ति की थी। कोरियोग्राफर से निर्देशक बने रोमो डिसूजा फिल्म का निर्देशन के लिए करेंगे। अगस्त 2017 में यह बताया गया कि सैफ ने अली का हिस्सा नहीं बनाने का फैसला किया था क्योंकि सलमान खान ने समांतर मुख्य भूमिका निभाने के विचार के विरोध में थे। कैटरीना कैफ, जैकलिन फर्नांडीज और दीपिक पादुकोण के बारे में मीडिया रिपोर्टर्स के सामने आने के बाद अगस्त 2017 के दौरान यह पुष्टि हुई कि फर्नांडीज को भूमिका के लिए अंतिम रूप दिया गया था। फिल्म में उनके द्वारा किए गए जाने वाले एक्शन दृश्यों की तैयारी के लिए फर्नांडीज ने मित्री सेमेस्टर के अंत में व्यापार परीक्षण लिया। रेस 3 की शूटिंग 9 नवंबर 2017 को मुंबई में महबूब स्टूडियो में शुरू हुई। रेस 3 का फिल्मकान अपने दूसरे शेड्यूल के लिए थाईलैंड बैंकॉक में चला गया जहां उन्होंने एक गाना और एक्शन सीक्वेंस फिल्माया जिसे फ्लोटिंग मांके और रोज गार्डन के साथ साथ
कचनाबूरी प्रपात जंगल में अनल अरसु द्वारा कोरियोग्राफर किया था। थाईलैंड में शूटिंग खत्म करने के बाद टीम अपने अगले शेड्यूल के लिए अबू धाबी पहुंची। अबू धाबी में शूटिंग शेड्यूल 35 दिनों तक चल रहा। अमीरात पैलेस यास वैसराय अबू धाबी द सेट रेजिस अबू धाबी अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी क्रेन अमीरात स्टील और लीवा डिजिटल में फिल्म कान किया था। अबू धाबी में एक्शन दूसियों का टाम स्टूडेंट थारा कोरियोग्राफ किया था, जो पहले इंस्पेक्टर द टांग नाइट और अंडरकंग जैसी फिल्मों के काम कर चुके हैं। इसके अगले शेड्यूल के लिए फिल्म यूनिट कश्मीर और बाद में लाख उलाछक चली गई, जहां सलमान खान और जैकलीना फनी ने एक रोमांटिक गाना फिल्माया। शूटिंग के दौरान खान को 5 अप्रैल 2018 को जोधपुर सत्र न्यायालय में दारा कला हिरण सिकवार मामले में दोषी ठहराया गया था कि परिणाम रूप से फिल्म का शेष पैचवक अबू धाबी के बजाय राजस्थान था, जैसलमेर में पूरा किया गया था, क्योंकि फिल्म ने अपने समय से पीछे चल रहा था और जैसलमेर का परिदृश्य अबू धाबी के समान था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रचित गुप्त ने फिल्म को 25 स्टार दिए और कहा, रेस 3 सिर्फ से सक्सेस और साजिद की भावना को काम नहीं करना था, जिसने फ्रेंचाइजियों की पिछली मसाला फिल्मों को एक दूसरी खुशी बना दिया। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वत्सव ने फिल्म को 15 स्टार दिए और इसे मात्र सुरील सौतेस निर्देशित हास्यास्पद कथानक और उप अभिनय के साथ यह पूरा सुपर स्टार के लिए एक नई ऊंचाई है। बहुत अच्छी फिल्म निर्माण के 160 मिनट के बीच बैठना वास्तव में कठिन है। 18 के राजीव मसन ने भी इसे 15 स्टार दिया और कहा कि फिल्म प्रून डाइवल है। हालांकि डीएनए की मैना आयर ने पत्रों को परिचय की प्रशंसा की, फिर भी उन्होंने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा, रेस 3 एक समझदार फिल्म होने का वादा कर रही है, जो आपके दिमाग में जाल को साफ करने के लिए बनाई गई है, और फिल्म 25 का दर्जा दिया। खाली टाइम्स की अनित आयर ने इसे 15 में से 5 दिया और महसूस किया कि फिल्म उम्मीदों की छोटी विद है। फास्ट पोस्ट की त्रया रामकृष्ण ने इसे मज़ेदार अजीब और दुस्साही कहा। फिल्म कंपेनिया की फिल्म की समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने इसे 25 स्टार देते हुए कहा कि कहानी कहने की बलि सलमान खान की देवी पर दी गई थी। वैरायटी के जो लेडन ने फिल्म के बारे में लिखा, यह केवल नाम का बॉलीवुड सिंक्वल तेज और उग्र एक्शन उत्साही गीत और नृत्य प्रदान करता है। केशवय चटर्जी ने फिल्म को इसके चरमोक्ष की प्रशंसा करते हुए 15 स्टार दिए और बाकी को कलू सेंटमेंट कहा। कयूरियर के त्रियर एच ने फिल्म को साल की सबसे खराब फिल्मों में से एक बताया, जहां सलमान खान एक पटरोडेक्टाइल की तरह लग रहे थे, जिसके हवाई कारनामों ने कई पंखों वाले डायनासोर का संसार कर दिया होगा। कि सुकियाना वर्मा ने फिल्म को कोई स्टार नहीं दिया। लिखा, रेस 3 ने केवल आपसे अपने दिमाग के पीछे छोड़ने की मांग करती है, बल्कि गारंटी देती है कि परीक्षा समाप्त होने के बाद भी आप उन्हें नहीं पाएंगे। कि प्रियदर्शी पत्या ने फिल्म को 15 रेटिंग दी और कहा, रेस 3 सिर्फ सलमान खान का व्यवसाय है, दर्शक को कोई भी व्यवसाय नहीं है। मिड ने सोनल देहरिया ने फिल्म को 15 स्टार दिए और कहा, इस फिल्म के कभी भी दो पहले पहलू को है, पहला यह अत्याचारी है और दूसरा बॉक्स ऑफिस पर भी पैसा कमाएगा। फिल्म फेयर के धवेश्वर शर्मा ने फिल्म को 35 स्टार दिए और लिखा कि बेकार अंति समूह परिवार छायादार सौदे तेज करे उचित गति का पीछा सैसी महिलाएं मर्दान पुरुष और आवास मस्तान को प्रसन्न करने के लिए प्रयात्रा साजिद मोड़ के रेस 3 में ये सबसे और बहुत कुछ है। लेकिन दोनों बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 25 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर रेस 3 शैली में उच्च स्तर पर काम है। जी न्यूज की रितिका हांडू ने इसे 5 स्टार देते हुए कहा, एक्शन थ्रिलर में गहराई की कमी है। हिंदू का निर्माता जोशी ने फिल्म की
पागलपन के संग्री के रूप में आलोचना की। कहा कि गाने सैंडले आलोन संगीत वीडियो के सामना राइटर्स की शिल्पा जामखंडीकर ने फिल्म को मेघ योग्य त्रोणों का एक खान क्षेत्र प्रफुल्लित करने वाले संवादों से परिपूर्ण पैरोडी और घृणित अभिनय के लिए एक परिपक्व के कथानक के रूप में वर्णित किया। कोई मौके के उमेश पुनवानी ने फिल्म को 25 स्टार दिए और कहा, पूरी तरह से रेस 3 को पूरी तरह से मनोरंजन नहीं है, लेकिन यह काफ़ी निराशजनक है। गल्फ न्यूज की मंजूषा राधाकृष्ण ने फिल्म को 15 स्टार दिए और इसे डूमेंट एवजेवर कहा। द वीकेंड की स्तुति घोष ने फिल्म को 15 स्टार दिए और कहा, इस पर 159 मिनट लंबी रेस 3 में शांति के कक्षा इतनी अधिक है कि हम ऑन स्क्रीन कार्रवाई से एक अजीब अलगाव विकसित करते हैं। डेकवन कैनिकल के सुपान शर्मा ने फिल्म को 25 स्टार दिए और इसे एक धीमी की मंदुबुंडी काल टू नोअर कहा। डेकन की कैनिकल के रोहित भटनागर ने इसे एक अंतिका जमाई उत्सव बताया जो वास्तविक कथा से बहुत दूर शिस्त और सलमान खान की अब तक की सबसे खराब हरकत है। स्काइल इन की नंदिनी रमनाथ ने फिल्म की आलोचना की और कहा कि यह तक कि मारने वाली प्रशंसकों को भी मुश्किल हो जाएगी। रोमक जो वास्तव में उन्हें दोनों के लिए अपने प्रमुख व्यक्ति से बहुत अधिक भयभीत थे, सेट पर कोई भी बुनियादी निर्देश लाइविन में कि उदित झुनझुनावाला ने इसे एक लंबी फिल्म के रूप में नोट किया जिसमें कोई भी न्यूनत विज्ञान था तक नहीं था और पैदल चलने वालों को गीतों पर घटिया नृत्य दिनाचार थे। के तंतुल ठाकुर ने फिल्म को एक बगीचे किस्म के घटिया मजाक के रूप में नोट किया जिसमें तक प्रभाव और निर्तरा की अपेक्षा करते हुए कई आउट ऑफ सीन के ट्विस्ट के साथ दम घुटा गया। दविक इन प्रियंका भदानी ने फिल्म को 15 स्टार दिए जिसमें एक खराब शैम्पू को धता बताते हुए एक तक दिया गया जिसमें एक ग्रीन युग सिख पर थी और जहाँ सलमान खान अपने वास्तविक जीवन व्यतीत के करियर में सिमट गए। इस फिल्म को वर्ष की सबसे खराब फिल्मों में से एक होने का कारण कई सूचियों में जगह मिली जिसमें एक से ने इसे निर्देशकों को बंदी का अपमान करने के लिए टिप्पी है। यह फिल्म 43,000 स्क्रीन पर रिलीज हुई और भारत में ओपनिंग के डर पर 285 मिलियन के कलेक्शन किया और यह साल की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों में से एक बन गई। प्रेम रतन धन पायो टाइगर जिंदा है और सुल्तान के बाद फिल्म सलमान खान की चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग के ग्रेंसर बन गई जिसने लगभग 291 मिलियन के 2020 में 330 मिलियन US की मिलियन के बराबर के संग्रह किया। पहले दिन फिल्म ने ऑस्ट्रेलिया में 39 स्क्रीनों से 510,878 मिलियन की, न्यूजीलैंड में 27 स्क्रीन से 769,471, यूनाइटेड किंगडम में 137 स्क्रीन से 23 मिलियन की कमाई की, संयुक्त राज्य अमेरिका में 281 में से 511 326 मिलियन और कनाडा में 6 स्क्रीन से 10। दूसरे दिन फिल्म ने ऑस्ट्रेलिया में 51 स्क्रीनों से 975 मिलियन, न्यूजीलैंड में 30 स्क्रीन से 528 मिलियन, यूके में 136 स्क्रीन थे 280 मिलियन की कमाई की, संयुक्त राज्य अमेरिका में 283 स्क्रीन से 3409 मिलियन और कनाडा में 5 स्क्रीन से 628। पहले रविवार को फिल्म ने ऑस्ट्रेलिया में 28 स्क्रीनों से 312 मिलियन और न्यूजीलैंड में 26 स्क्रीन से 217,485 मिलियन की कमाई की। 4 दिनों में फिल्म ने विदेशों में 439,007 मिलियन, 510 मिलियन के बराबर युवा या 2020 में मिलियन की कमाई की, लेकिन अब्दुल रशीद सलीम ने
सलमान खान की हिंदी 27 दिसंबर 1965 एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्माता और टेलीविजन व्यक्तित्व है जो हिंदी फिल्मों को काम करते हैं। 30 साल से अधिक के फिल्म करियर में खान की कई पुरस्कार मिली है जिसमें एक फिल्म निर्माता के रूप में 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और एक अभिनेता के रूप में 2 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है। उन्हें मीडिया में भारतीय सिनेमा के सबसे व्यावसायिक रूप से सफल अभिनेताओं में से एक के रूप में वर्णित किया जाता है। फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया भर में टॉप में 100 सेलिब्रिटी एंटरटेनर्स की कंपनी 2015 की सूची में शामिल किया। खान अमिताभ बच्चन के साथ सूची में 71वें नंबर पर है। दोनों की कमाई 335 मिलियन डॉलर है। फोर्ब्स 2018 की दुनिया में टॉप 100 सेलिब्रिटी एंटरटेनर्स की सूची के अनुसार खान 3760 मिलियन डॉलर की कमाई की 782वें रैंक के साथ सर्वोच्च रैंक वाले भारतीय थे। वह 2010 से रियलिटी शो बिग बॉस की मेजबानी भी कर रहे हैं। लेकिन पटखटा लेख के लिए सलीम खान के सबसे बड़े बेटे खान ने अपने अभिनय करियर के शुरुआत बीवी हो तो ऐसी 1988 में सहायक भूमिका के साथ की जिसके बाद में मैंने प्यार किया 1979 में एक प्रमुख भूमिका निभाई। खान ने बॉलीवुड में 1990 दशक के रोमांटिक ड्रामा हम आपके हैं कौन सहित कई प्रस्तुतियों में भूमिकाएं जारी रखी। एक्शन कॉमेडी अदाज अपना अपना 1994 एक्शन थ्रिलर करण अर्जुन 1995 कॉमेडी बीवी नंबर 1 1999 और पारिवारिक ड्रामा हम साथ साथ है 1999 2020 के दर्श में गिरावट की एक्शन संक्षिप्त अवधि के बाद खान ने 2010 में दंबक 2010 के रेडी 2011 के एक था टाइगर 2012 की किक 2014 की सुल्तान जैसी सफल एक्शन फिल्मों में मुख्य भूमिकाओं निभा आदि स्टारमन में हासिल किया। 2014 और टाइगर जिंदा है 2017 अपने अभिनय करियर के अलावा खान एक टेलीविजन प्रस्तोता है और अपने चैरिटी बिगे ह्यूमन फाउंडेशन के माध्यम से मानवीय कल्याणों के बढ़ावा देते हैं। खान का ऑफ स्क्रीन जीवन विवादों और कानूनी परेशानियों से भरा है। 2015 में उन्हें लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में गैर इरादन के हत्या दोषी ठहराया गया था जिसमें उन्होंने अपनी कार से 5 लोगों को कुचल दिया था जिसमें एक की मौत हो गई थी लेकिन अपील पर उनकी सजा को रद्द कर दिया गया था। 5 अप्रैल 2018 को खान के एक काला हिरण शिकार मामले में दोषी ठहराया गया और 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। वह फिलहाल जमानत पर बाहर है जबकि एक अपील पर सुनाई चल रही है। खान ने 1947 से 2020 तक वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली 10 फिल्मों में अभिनय किया है जो हिंदी सिनेमा की इतिहास में किसी भी अभिनेता के लिए सबसे अधिक है। लेकिन सलमान खान की पटकथा लेख के सलीम खान और उनकी पहली पत्नी सुशीला चरक से सबसे बड़े बेटे जिन्होंने सलमा नाम अपनाया था 27 दिसंबर 1965 को एक मुस्लिम पिता और हिंदू माँ के घर जन्मे खान का पालन पोषण दोनों धर्मों में हुआ। 1980 में जब सलमा और सलीम का तलाक हो गया और उनके पिता ने अभिनेत्री हेलेन से शादी कर ली तो उनके पिता के साथ सच्चों के संबंध शत्रुपाणु हो गए और वर्षों के बाद ही ठीक हुए। सलमान खान के दादा दादी अलाकोई पश्तू थे अफगानिस्तान से जो 1980 के दशक में मध्य में इंदौर राजा इरोंदर रेडिडेंस अब मध्य प्रदेश में ब्रिटिश भारत में आकर बस गए थे। हालांकि जसीम खान ने अभिनेता की कंपनी जीवनी की में कहा कि उनके पहुंच ब्रिटिश भारत वर्तमान खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमा प्रपात की सवात घाटी में मलकन के यूसुफाजाई पश्तूनों की अकुचाई उप जनजाति के थे। उनके दादा अब्दुल रशीद खान इंदौर में
राजा के अप महानिरीक्ष थे, जिन्हें होला का काल के दिलेंग जंग पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। खान की माँ की गुहिन है, जिनके पिता बरलदेव सिंह चरक एक डोगरा राजपूत जम्मू और कश्मीर में जम्मू से आते हैं और उनकी मराठी का महाराष्ट्र से आती है। अखान की हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मराठी भी बोल सकती है। उनके दो भाई हैं अरबाज खान और सोहेल खान और दो बहनें अलवीरा खान अग्निहोत्री, जिनकी शादी अभिनेता निर्देशक अतुल अग्निहोत्री और एक दर्ज बहन अप्रीता से हुई है। सलमान खान ने अपनी स्कूल शिक्षा मुंबई के ब्रांड से सेट स्टेनलेस हुई स्कूल में पूरी की, जैसी उनके छोटे भाइयों अरबाज और सोहेल ने किया था। इससे पहले उन्होंने अपने छोटे भाई अरबाज के साथ कुछ वर्ष को तक ग्वालियर के सुविंद स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने मुंबई के सेट में जेविस कॉलेज में पढ़ाई की लेकिन पढ़ाई छोड़ दी। खान ने अपने अभिनय की शुरुआत 1988 की फिल्म बीवी हो तो ऐसी से की, जिसमें उन्होंने एक सहायक भूमिका निभाई। उन्होंने सूरज आर बड़जात्या की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा मैंने प्यार किया 1979 प्रमुख भूमिका निभाई, जो उस समय सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से बन गई। इसने उन्हें समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदान के लिए नामांकित के साथ साथ फिल्मफेयर में अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित किया। बाद वाले को बड़जात्या को सम्मानित किया गया। मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में वहन लव कलश स्पेनिश में थे आमो और तेलुगु में प्रेम पावरालू के रूप में डब किया था। 1990 में खान अभिनीत के एक फिल्म रिलीज होगी बागी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके बाद 1991 में तीन मामूली सफल फिल्में में रही पत्थर के फूल, सनम बेवफा और कुर्बान। उसी वर्ष खान ने संजय दत्त और माधुरी तेजेत के साथ रोमांटिक ड्रामा संजन में सह कलाकार के रूप में काम किया। 1994-2009 में हम आपके हैक और अनय, 2007 में वी एडस दिवस के एक कार्यक्रम में सैफ अली खान के साथ खान दिए। 1994 में राजकुमार संतोषी के साथ यह सह कलाकार दिखाई दी। रिलीज के समय फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही लेकिन पिछले कुछ वर्ष में इसने एक पंथ का दर्जा हासिल कर लिया। बाद में वर्ष में उन्होंने निर्देशक सूरज बड़जात्या के साथ रोमांस आपके हम आपके है कौन में सहयोग किया। यह कलाकार माधुरी त्रिजीत 1995 के पुरस्कार सत्र के दौरान फिल्म ने फिल्म में निर्देश के अभिनेत्री के लिए तीन फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने व इसने वर्ष की सबसे लोकप्रिय फिल्म होने का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। दुनिया भर में 2 मिलियन के इसके आधी की कमाई करने वाली फिल्म में उस साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट और उस समय तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। यह बॉक्स ऑफिस इंडिया की हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर की सूची में से एक है। 2006 में बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार यह अब तक की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। 1995 में उन्होंने राकेश रोशन की कारण अर्जुन में शाहरुख खान के अभिनय किया। दोनों ने भाइयों की भूमिका निभाई जो पारिवारिक शत्रुओं को दारा मारे जाने के बाद पुनर्जन्म लेते हुए करण के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें 1995 के फिल्म फेयर में अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया। लेकिन एक राजा विरोधी IKF के नाम से जाना जाता है उन्हें कश्मीरी में एक मिशन पर भेजता है जहां वह एक बार फिर भागे के एक अजीब मोड़ में जूनी से मिलता है। यह एक नायक के रूप में खान की पहली फिल्म थी। फना रिलीज के समय बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म से एक थी। फिल्म का शीर्षक इस्लामी सूफी शब्द फना से लिया गया है जिसका अर्थ अरबी फारसी उर्दू और हिंदी में नष्ट है। फिल्म का प्रीचर टैगलाइन के साथ किया गया था। खान और काजोल पहली बार इस फिल्म के साथ रोमांटिक रूप से जोड़ी बना रहे थे लेकिन इसके इस 1997 के बाद उनके दूसरी संयुक्त चिहित किया जिसमें उन्हें कर्मस चुई चावला और अजय देवगन के साथ जोड़ा गया था। इसने काजोल की वापसी को भी चिहित किया जिन्होंने आखिरी बार कभी खुशी कभी गम के 2001 में देखा गया था। फना 26 मई 2006 को रिलीज हुई थी। गुजरात सरकार की
आलोचना करते वाली अपनी टिप्पणियों के लिए खान के विरोध के कारण गुजरात राज्य में फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर भी फना को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, विशेष रूप से काजल के प्रदर्शन की ओर निर्देशित प्रशंसा के साथ, और बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक सफलता बन गई। जूनी अली एक बेग की नेत्रहीन के कश्मीरी महिला है जो पहली बार अपने दोस्तों फातिमा फेटी गुप्ता, महबूबा बोबू राज, रूबीना रूबी खाना और उनके नृत्य शिक्षक हेलेन के साथ गणतंत्र के लिए एक समारोह में प्रदर्शन करके लिए नई दिल्ली की यात्रा करती है। दिन अपनी यात्रा पर वह एक टूट गई रेहान खान से मिलती है जो उसके साथ फ्लर्ट करता है। हालांकि उसके दोस्त जूनी को उसके बारे में चेतावनी देता है लेकिन उसे प्यार हो जाता है। दिल्ली में अपनी आखिरी रात को रेहान और जूनी को एक साथ रात बिताते हैं और अंत में प्यार करते हैं। जैसे कि ही जूनी अगले दिन जा रही होती, रेहान आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उसका माता पिता उनकी शादी तय करने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं। जूनी की एक प्रेक्षिका की जाती है जिसे उसकी आँखों की रोशनी वापस में पाने में मदद मिलती है, लेकिन जब वह सर्जरी से बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि रेहान शहर में एक बम विस्फोट में मारा गया है। मिलिनिया त्यागी एक विशेष खुफिया के एजेंट है जिसे बम विस्फोट के खतरे है आकलन करने के लिए लाया गया है, और समूह जिम्मेदार एक स्वतंत्र कश्मीरी के लिए लड़ने वाला एक स्वतंत्र संगठन जिसे लाइकेफ कहा जाता है। यह पता चलता है कि रेहान ही वह व्यक्ति है जिसने बम विस्फोट को गति प्रदान की, फिर उसकी मौत को नकली बनाया ताकि जूनी उसकी तलाश में न आए। वह स्वीकार करता है कि वह जूनी से प्यार करता है, लेकिन यह भी स्वीकार करता है कि वह अपने खतरनाक जीवन के कारण उसे फिर कभी नहीं देखा सकता। 7 साल बाद रेहान आईकेएम के लिए एक और मिशन पर आईकेएफ ने एक परमाणु हथियार हासिल कर लिया, लेकिन उसे टिंगर को पकड़ने की ज़रूरत है जो सेना को कब्जे में है। रेहान इसे चुरा लेता है, लेकिन तयागी ने अपनी योजना का पता लगा लिया है और उसे रोहने के लिए एक बल भेजता है। आगमी के गोलीबारी में रहने घायल हो जाता है। वह मदद के लिए दूर के घर में जाता है। यह जूनी का घर निकाला। रेहान की कथित मृत्यु के बाद जूनी गर्भवती हो गई थी और उसने उसे और रेहान के बेटे जिसे जूनी द्वारा रेहान भी कहा जाता है को जन्म दिया और उसका पालन पोषण किया। रेहानी सीनियर की वापसी से 2 साल पहले जूनी माँ की मृत्यु हो गई थी। जूनी और उसके पिता रेहान सीनियर को बचाते हैं। हालांकि ना तो उन्हें जूनी को पुराने प्रेमी के रूप में पहचानते हैं। हालांकि शुरू में उनसे दूर रेहान सीनियर अपने बेटे और परिवार के लिए एक सनेह विकसित करता है। रेहान अपने अंतकवान की जानकारी को पीछे रखते हुए उन्हें अपनी असली पहचान बताता है कि शुरू में आहत के जूनी ने रेहान को उसे फिर से छोड़ने से मना कर दिया और उन दोनों ने उसने पिता की वयस्कता से शादी कर ली। तयागी के पास रेहान के बारे में प्रकाशित एक रिपोर्ट है जिसमें जनता को चेतावनी दी गई है कि वह एक आतंकवादी है। जूनी को पिता इस रिपोर्ट को देखते हैं और अपनी जेब में टिंगर खोजने पर रेहान का सामना करते हैं। रेहान गलती से जूनी के पिता को एक कंगार से फेंक देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वह एक सैन्य अधिकारी के घर से आतंकवाद रेडियो को प्रसारित करता है, लेकिन रेहान का पता चलाने पर आधारित को मार देता है। जूनी को अपने पिता का शव मिलता है और रेहान अपनी मौत के बारे में झूठ बोलता है। हालांकि जूनी बाद में समाचार रिपोर्ट देखता है और टिंगर ढूंढता है। वह अपने बेटे को ले जाती है और अधिकारी के घर भाग जाती है। जब वह मदद के लिए रेडियो करती है, तयागी उसे रेहान को रोकने के लिए कहता है। रेहान अगले दिन आता है और जूनी से टिंगर लेता है, कह रहा है कि आईकेएस की उसे और बनने के उनके बेटे को मार डालेगा।
यदि वह नहीं करता, जैसे ही रेहान IKF के नेता का टिंगर देने वाला होता है, रेहान के दादा जूनी ने उसके पैर में गोली मार दी। रेहान उस पर अपनी बंदूक खींचता है, लेकिन खुद को गोली मारने के लिए नहीं ला सकता है। जूनी ने उसे फिर से गोली मार दी, इस बार घातक रूप से। उसे रोकने के लिए कुछ ही समय में तैयारी आ जाता है और IKF के जूनी की शूटिंग से रोकता है। रेहान जूनी की बाहों में मर जाता है। जूनी और उसका बेटा बाद में अपने पिता और रेहान की कब्रों पर जाते हैं, जिन्हें एक दूसरे के बंगल में दफनाया जाता है। जब उसका बेटा पूछता है कि क्या उसके पिता गलत थे, तो जूनी उसे बताता है कि उसे उसके पिता नहीं वही किया जो उसे सही लगा। यह खंड खाली है, आप के इसके मदद कर सकते हैं। फिल्मकार स्थान निष्पादन करना फना को मूल रूप से कश्मीरी में शूट करने की योजना थी। इससे पहले की काजोल उस क्षेत्र में जारी विरोध है कारण पीछे हट गई। निर्देशन की कश्मीर की खंड को त्रिजीनी पैलेंड में टाटा की पवत पर ले जाने का विकल्प चुना, जो उपयुक्त रूप से बर्फीले और पहाड़ी इलाके की प्रदान करता है। इसे दिल्ली में लाल किला, राष्ट्रपति भवन और लोधी की गार्डन सहित ऐतिहासिक स्थानों पर फिल्माया गया था। गुजरात में फिल्म का प्रचार करते समय आमिर खान ने गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने नर्मदा बांध को संभालने और विस्थित ग्रामीणों को पुनर्वास की आवश्यकता के बारे में कुछ टिप्पणियां की। इन टिप्पणियों को भारतीय जनता पार्टी ने नाराजगी का सामना करना पड़ा। गुजरात सरकार ने खान में माफ़ी की मांग की। खान ने माफ़ी मांगने से इनकार करते हुए कहा, मैं वही करता हूँ कराओ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैंने केवल गरीब किसानों के पुनर्वास के लिए कहता था। मैंने बाद में निर्माण के खिलाफ कभी बात नहीं की। मैं इस मुझे पर अपनी टिप्पणियों के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। पूरे गुजरात राज्य में फना अपर एक अनौपचारिक की प्रबंधि लगा दिया गया था। फिल्म और खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जिसमें पुतले में स्टार के पोस्टर जलाना शामिल था। नतीजतन कई मल्टीप्लेक्स के मालिकों ने कहा कि वे ग्राहकों के सुरक्षा प्रदान नहीं कर सके। इस प्रकार गुजरात से सभी थिएटर मालिकों ने फिल्म को प्रदर्शित करने से इनकार कर दिया। निर्माता आदित्य चोपड़ा ने भारत के सर्वोच्च के न्यायालय में एक याचिका का दायर कर उनसे गुजरात सरकार को उन सभी सिनेमा हॉल को सुरक्षा प्रदान करके निर्देशन देने के लिए कहा जो एक फिल्म प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन अस्वीकार कर दिया गया था। उनकी प्रतिक्रिया यह की थी कि यदि कोई सिनेमा उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित है तो वो पुलिस को बुला सकते हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए निर्देशक कुणाल कोहली ने कहा कि सभी थिएटर मालिक या प्रदर्शक को जो इस फिल्म को रिलीज करना चाहते हैं, वे सुरक्षा के लिए अनुरोध कर सकते हैं और सरकार को समर्थन देना चाहिए। हम फिल्म निर्माता के रूप में गुजरात के सभी थिएटर मालिकों से आगे आने और फिल्म को रिलीज करने के अनुरोध करते हैं। हम पहले सप्ताह में 470 मिलियन घरेलू और विदेशी दोनों कमाए हैं और गुजरात में लगभग 670 मिलियन कारोबार को खो चुके हैं। हालांकि यह पैसे के बारे में नहीं है, यह एक सिद्धांत के बारे में है कि एक लोकतांत्रिक के देश के रूप में जहां अमीर का अधिकार है, वह जो महसूस करता है उसे कहने के लिए, यहां तक कि विरोध करने वाले गुजरात के लोगों को भी यह कहने का अधिकार है कि वे क्या महसूस करते हैं। गुजरात के जमनगर में एक निजी स्वामित्व वाले सिनेमा ने धमकियों के बावजूद पुलिस सुरक्षा के साथ फिल्म दिखाई। स्क्रीन का विरोध कर रहे एक वैतिक धारा आत्मदाह की बोली के बाद फिर से वापस लेने से पहले एक सप्ताह में अधिक समय तक चला। एक स्क्रीन के दौरान वनीन ने नाम का संख्या ने थिएटर के बाथरूम में प्रवेश किया और खुद को आग लगा दी। वे 85 जल गए और 9 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद अमीर हुसैन खान उचरण की जन्म 14 मार्च 1965 के
एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशन और निर्माता है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। अपनी 30 साल से अधिक की करियर के दौरान खान ने खुद को भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। खान कई पुरस्कारों को प्राप्ता है, जिनमें 9 फिल्मफेयर पुरस्कार, 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 1 एएसटीए के पुरस्कार शामिल है। उनकी एक फिल्म निर्माण को अकादमी पुरस्कार नामांकन भी मिला है। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2003 में पद्मश्री और 2010 में भूषण से सम्मानित किया है और 2017 में चीन सरकार से मरणोपरांत प्राप्त की है। खान पहले बार अपने चाचा नासिर हुसैन की फिल्म यादों को बारात 1973 में एक बाल कलाकार के रूप में पर्दे पर दिखाई दिए। वह वैसे के रूप में उनकी पहली फीचर फिल्म भूमिका होली 1994 में थी। उन्होंने कयामत से कयामत तक 1988 में एक प्रमुख भूमिका के साथ पुनकालय के अभिनय किया। करियर की शुरुआत में राख 1979 में उनके प्रदर्शन उन्हें विशेष उल्लेख श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। उन्होंने 1990 के दशक में दिल 1990 की राजा हिंदुस्तानी, 1996 की सहित कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय करते खुद को एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्होंने अभिनेता के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। और सरफरोश के 1999 में उन्होंने आमिर खान प्रोडक्शन की स्थापना की, उनकी जिनकी पहली फिल्म लगाना 2001 को विदेशी की भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। और उन्होंने लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 और फिल्मफेयर पुरस्कार के अभिनेता और 27 के अभिनेत्री मिलने के पतली पारत में 4 साल के अंतराल के बाद खान प्रमुख भूमिकाओं में दिखाई देने लगे, विशेष रूप से फना 2006 और रंग के देव बसंती 2006 में। उन्होंने तारे जमीनी पर 2007 के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की। 37 निर्देशन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। खान की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता गजनी 2008 के 3 इंडियटस, 2009 की धूम 3, 2013 पीके, 2014 और दंगल 2016 के साथ आई, जिनमें से प्रत्येक ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म होने का रिकॉर्ड बनाया। खान ने दंगल के लिए फिल्मफेयर में अपना 3रा फिल्म अभिनेता का पुरस्कार जीता। विशेष रूप से भारत और चीन में उनके बड़े वैतरियम अनुयायी है और नयुजवी की द्वारा उन्हें दुनिया भर में सबसे बड़ा स्टार के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें नियमित रूप से दुनिया भर में 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में से चुबितन किया गया है। खान एक कायकृत और मानवतावादी है और उन्होंने विभिन्न सामाजिक करानों के लिए बात की है, जिनमें से कुछ ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है। उन्होंने टेलीविजन टॉक शो सतमिया जयते को भी बनाया और होस्ट किया। एक समाज सुधारक के रूप में उनके काम ने उनके 2013 में दुनिया सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम्स सह सूची में स्थानीय दिलाया। खान की 2 बार शादी हो चुकी है और उनके 3 बच्चे हैं। मोहम्मद अमीर हुसैन खान का जन्म 14 मार्च 1965 को बॉम्बे में एक फिल्म निर्माता ताहिर हुसैन और जिन्नत हुसैन के घर में हुआ था। उनके कई रिश्तेदार हिंदी फिल्म उद्योग के सदस्य थे, जिनमें उनके दिवंगत चचा निर्माता निर्देशक नसीर हुसैन भी शामिल थे। फिल्म उद्योग के बाहर वह अपनी दादी की माध्यम से अबुल कलाम आज़ाद से भी संबंधित है। खान 4 भाई बहनों में से सबसे बड़े उनका भाई एक भाई है फैसल खान और उनके 2 बहनें फरहत और निकहत खान। उनके भतीजे इमरान खान एक समकालीन हिंदी अभिनेता है। खान 6 बार के राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अभ्यधम और मणिपुर की उसोरेवी राज्यपाल की नजमा हेपतुल्ला के 2रे चचेरे भाई भी है, जो अबुल कलाम की सा आज़ाद को पोती है। एक बाल कलाकार के रूप में खान 2 छोटी भूमिकाओं में पर्दे पर दिखाई दिए। 8 साल की उम्र में वह यादों की बारात 1973 में दिखाई दिए, जो बॉलीवुड की पहली मसाला फिल्म थी। अगले वर्ष उन्होंने मगोश में महेंद्र सगु के चित्रित को युवा संस्करण को चित्रित किया।
खान ने अपनी पूर्व प्रधानियों के सिंजा के लिए जेबी पेटिट की स्कूल में भाग लिया। बाद में 8वीं कक्षा तक सेठ ने एनी हाई स्कूल बांद्रा में चले गए और बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल महिमा में अपनी 9वीं और 10वीं कक्षा पूरी की। उन्होंने राजा सत्री की चैंपियनशिप में टेनिस खेला और राजा सतरी चैंपियन बने। उन्होंने दावा किया वह पढ़ाई की तुलना में खेल में बहुत अधिक थे। खान ने मुंबई में नर्सरी मोजी के कॉलेज में अपनी 12वीं कक्षा पूरी की और अपने पिता के वित्तीय समस्याओं के कारण अपने बचपन के कठिन बताया क्योंकि उनकी फिल्म निर्माण जयादार असफल रही थी। खान ने कहा, लेनदारों से एक दिन में कम से कम 30 कॉल आते हैं जो उनके पैसे मांग और यह कि उनकी हमेशा फीस का भुगतान ना करने के लिए स्कूल से निकाला जाने का जोखिम होता था। 16 साल की उम्र में खान 40 मिनट की भूमिका फिल्म प्रणैया की बनाने की प्रक्रिया में शामिल थे जिसका निर्देशन उनके स्कूल के दोस्त आदित्य चट्टोपाध्याय ने किया था। फिल्म को फिल्म निर्माता त्रिराम लघु द्वारा वित्त की पोषित किया गया था जो भट्टाचार्य के एक परिचित थे जिन्होंने उन्हें कुछ हज़ार रुपये प्रदान किए। खान के माता पिता नहीं चाहते थे कि वह फिल्म बनाए और चाहते थे कि वह इसके बजाय एक इंजीनियर या डॉक्टर के रूप में एक सीधर करियर बनाए। इस कारण से वामाओं की शूटिंग कार्यक्रम को गुप्त रखा गया था। फिल्म को उन्होंने चट्टोपाध्याय की सहायता करते हुए अभिनेता नीना गुप्ता और विक्टर बंजी के साथ मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि इस पर काम करने की अनुभव ने उन्हें फिल्म में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। खान बाद में अवतार के लिए नमक एक थिएटर समूह में शामिल हो गए जहां उन्होंने एक वर्ष से अधिक समय तक मंच के पीछे काम किया। उन्होंने पृथ्वी थिएटर में कंपनी की गुजराती नाटक केसर बीना में एक छोटी भूमिका के साथ मंच पर प्रदान किया। उन्होंने अपने दो हिंदी नाटकों और एक अंग्रेजी नाटक में अभिनय किया जिसका शीर्षक क्लियरिंग की हाउस था। हाई स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद खान ने पढ़ाई बाद करने का फैसला किया कि और इसके बजाय हिंदी फिल्मों में मंजिल मंजिल के और जबरदस्त में हुसैन के सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। मुख्य लेख आमिर खान फिल्मफेयर में 1994-1979 में पदार्पण और करियर की चुनौती दिया। हुसैन की सहायता के अलावा खान ने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के छात्रों द्वारा निर्देशित विचित्रों में अभिनय किया। निर्देशन केतन मेहता ने खान को उन फिल्मों में देखा और उन्हें कम बजट की प्रतियोगी फिल्म को होली में एक भूमिका की पेशकश की। नवागुतों को कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता होली में महेश एलकुचवार के एक नाटक के पर आधारित थी और भारत में रैंगिंग की प्रथा से संबंधित थी। यूएनआई की टाइम्स ने कहा कि फिल्म नाटकी थी लेकिन गैर पेशेवर अभिनेताओं द्वारा बहुत ही सलीनात और उत्साह से प्रदर्शन किया गया खान ने एक उपदवी कॉलेज छात्रा की भूमिका निभाई, एक महत्वपूर्ण भूमिका जिसे CNIBN ने कुशलता में काम की INGN के रूप में वर्णित किया था। होली वैकाई दर्श को उनकी आकर्षित करने में विफल रही लेकिन हुसैन ने और उनके बेटे मंसूर ने खान को मंसूर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक 1988 में जूही चावल के साथ प्रमुख व्यक्ति के रूप में लाया लिया। यह फिल्म एक तारा प्यार और माता पिता ने विरोध की कहानी की है जिसमें खान राज की भूमिका निभाई जो एक साफ सुथरा सस्ता लड़का नेक्सटर दौड़ है। यह बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई और खान और चावल दोनों सटरम पक्ष तक पहुंच गए दिया। इसे खान के लिए पुरुष प्रधान टॉफी सहित साथ फिल्मफेयर पुरस्कार मिले। क्यामत से क्यामत तक ने निर्माण से पहले फिल्म गाई गई भट्टाचार्य की अपराध थ्रिलर राख
1979 में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर खराब स्वागत के बावजूद फिल्म को समीक्षकों द्वारा सराहा गया क्यामत से क्यामत तक, और खान को दोनों उनके प्रदर्शन के लिए खान को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष जूरी पुरस्कार विशेष उल्लेख से सम्मानित किया गया। उस वर्ष बाद उन्होंने चावल के साथ रोमांटिक कॉमेडी लव 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 के लिए फिर से काम किया, जो एक व्यावसायिक फिल्म विफलता में 1990 की सफल। खान ने 1990 में रिलीज हुई 5 फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें अव्वल नंबर तुम मेरे हो, दीवाना मुझे सा नहीं या जवानी जिंदाबाद में कोई सफलता नहीं मिली। हालांकि इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा दिल किशोर प्रेमी माता पिता को विरोध की कहानी माधुरी तिरजीत की विपरीत एक बड़ी सफलता थी। वह युवाओं के बीच अत्यधिक लोकप्रिय थी और उच्चतम के रूप में उभरी वर्ष की कमाई करने वाली हिंदी फिल्म। इस सफलता के बाद उन्होंने पूजा भट्ट के साथ दिल है कि मैं मानता नहीं एक प्रमुख भूमिका निभाई, जो अमेरिका फिल्म इट हैपनड के वन नाइट की रीमेक थी, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 1990 के दशक की शुरुआत में खान अनय कई अन्य फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें जो जीता वही सिंकदर 1992 में, हम है रही प्यार के 1993 के जिसके लिए उन्होंने पटकथा भी लिखी, और रंगीला 1995 शामिल है। इनमें से अधिकतर के फिल्मों में समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही। अन्य सफलताओं में अंदाज अपना अपना शामिल है। रिलीज के समय फिल्म की समीक्षकों द्वारा प्रतिकूल समीक्षा की गई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसे पंद का दर्जा प्राप्त हुए। कम सफल फिल्मों में से इसी नाम की जिंदगी और दौलत की जंग शामिल थी। 1993 खान यश चोपड़ा की चर परंपरा में भी दिखाई दी। सुनील दत्त, विनोद खन्ना की, रवीना टंडन और सैफ अली खान सहित कलाकारों की टुकड़ी की होने के बावजूद फिल्म व्यापारिक दर्शकों को खोजने में विफल रही और एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता बन गई। खान को टाइम्स मशीन में भी कास्ट किया गया था, हालांकि वित्तीय बदलाव को कारण फिल्म को रोक दिया गया था और रिलीज नहीं हुई थी। खान ने साल में सिर्फ एक या दो फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा, जो मुख्य धारा की हिंदी सिनेमा अभिनेता के लिए एक असामान्य विशेषता थी। 1996 में उनकी एकमात्र रिलीज धम से दर्दस्ताना निर्देशित व्यावसायिक ब्लॉकबस्टर थी राजा हिंदुस्तानी, जिसमें उन्हें कश्मीरी की कपूर के साथ जोड़ा गया था। फिल्म ने उन्हें पिछले 7 नामांकन के बाद अभिनेता का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया और यह उस वर्ष की सबसे बड़ी हिट होने के साथ 1990 के दशक की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। मुद्रास्फीति के लिए समायोजित राजा हिंदुस्तानी 1990 के बाद से भारत में चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। खान का करियर इस समय के एक पठार पर आ गया था और अगले कुछ वर्षों अनुसरण की जाने वाली अधिकांश फिल्में केवल आंशिक रूप से सफल रही। 1997 में उन्होंने इश्क में अभिनय किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। अगले वर्ष खान मामूली रूप से सफल गुलाम में दिखाई दिए, जिसके लिए उन्होंने पाव गायन भी किया गया था। 1999 में खान की पहली फिल्म जान मैथ्यू मैथन की सरफरोश की मध्यम रूप से सफल रही, बॉक्स ऑफिस पर सामान्य से बेहतर रही। फिल्म सामान्य और खान को पहले समीक्षकों द्वारा बहुत सराहा गया, जैसे कि दीपा मेहता की कंडाहाई भारतीय आर्ट हाउस फिल्म अर्थ 1988 में उनकी भूमिका थी। खान की दिल नवाज आइस कैंडी मैन की चित्रण के लिए रोजर एबर्ट जैसे आलोचकों को द्वारा पृथ्वी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया था। 2020 में दर्श के लिए उनकी पहली रिलीज मेला, जिसमें उन्होंने अपने भाई फैसला के साथ अभिनय किया, बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण बम दोनों थी। 2001 में उन्होंने लगाना में निर्माण और अभिनय किया और 74 में अकादमी पुरस्कारों में विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकन प्राप्त किया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जैसे कि भारतीय पुरस्कार जीतने के अलावा फिल्म कोई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी आलोचका की प्रशंसा मिली। अभिनेता के लिए अपना दूसरा फिल्मारे पुरस्कार भी जीता। लगान की सफलता के बारे में उस वर्ष बाद में
दिल चाहता है कि यह फिल्म तकालनी की विनोदित फरहान अख्तर द्वारा लिखित और निर्देशित थी और फिल्म के लिए 2001 फिल्म फेयर क्रिटिकर्स अवार्ड जीता। रीना दर्द के तलाक से बाद खान की बॉलीवुड से 4 साल का ब्रेक लिया। 2005 साल में अभिनय में वापसी के निर्देशन की शुरुआत की। खान ने 2005 में केतन मेहता की मंगल पांडे द राइजिंग में मुख्य भूमिका के रूप में वापसी की, जिसे कान फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था। राकेश ओम प्रकाश मेरा किरंग दे बसंती 2006 में खान की पहली फिल्म थी। उनकी प्रदर्शन में समीक्षकों द्वारा सराहा गया। उन्हें अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिकर्स अवार्ड और अभिनेता के लिए कई नामांकित मिले। यह फिल्म साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई और इसे ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रवेश के रूप में चुना गया। हालांकि फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित वैतिक रूप में नहीं चुना गया, लेकिन इसे इंग्लैंड में बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बाफ्टा अवार्ड के लिए नामांकित मिला। खान की अगली फिल्म फना में 2006 में उन्होंने एक कश्मीरी विदोई के आतंकवादी की भूमिका निभाई। पृथ्वी के बाद उनकी दूसरी विरोधी भूमिका निभाने की, उन्हें कुछ अलग करने की रचनात्मक भावनाओं की पेशकश की। उनकी 2007 की फिल्म जता तारे जमीन पर एक निर्माण भी उनके द्वारा किया गया था और उनके निर्देशन में पहली फिल्म थी। फिल्म जो आमिर खान प्रोडक्शन की दूसरी रिलीज थी को आलोचकों और दर्शक से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। खान के प्रदर्शन की खूब सराहा गया। हालांकि उनके निर्देशन के लिए विशेष रूप से उनकी सराहना की गई। खान को निर्देशन और 2007 की सर्वश्रेष्ठ की फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही परिवार के कल्याण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। फिल्म ने अनेक पुरस्कार जीते, जिसमें 2008 की सिन अवार्ड्स और चौथा अप्सरा की फिल्म एंटी